नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है भोला। जी हाँ, अजय देवगन की सबसे हिट मूवी में से एक फिल्म भोला, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोला मूवी कब YouTube पर रिलीज की जाएगी, किस तारीख को, इसका अपडेट क्या है। इसी के साथ भोला मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने काम किया है, इस मूवी को बनाने में कितनी कमाई हुई थी, इस मूवी को कितने बनाने में लागत हुई थी और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा था, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ इसकी कहानी, इसके किरदारों और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप भी अजय देवगन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोला 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसमें कि आपको अजय देवगन के द्वारा दिखे गए, निर्देशित हुआ हुआ और संयुक्त रूप से अजय देवगन एफ फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, टी सीरीज फिल्म्स और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के द्वारा यह निर्मित की गई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको देखेगा, यह 2019 की तमिल फिल्म केथी का रीमेक है, केथी की रीमेक है और इसमें आपको लीड रोल में दिखेंगे तब्बू, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, गजराज राव और विनीत कुमार देवगन मुख्य भूमिका में, जबकि अमला पॉल, अभिषेक बच्चन और रॉय लक्ष्मी विशेष रूप से दिखाई देते हैं, राय लक्ष्मी। इसी के साथ ये फिल्म एक पूर्व अपराधी का अनुसरण करती है जो 10 साल के कारावास के बाद अपनी बेटी से मिलने के बदले में जहरीले पुलिस कर्मियों से भरे ट्रक को अस्पताल ले जाते समय अपराधियों से लड़ता है। इस मूवी में आपको दिखेगा, यह मूवी मेन टॉपिक पर मैं बात करूँ तो यह मूवी जो है राइटिंग की गई है वो आमिल कियान खान के द्वारा, अंकुश सिंह के द्वारा, संदीप केवलानी के द्वारा और श्रीधर दुबे के द्वारा। यह फिल्म लोकेश कनगराज द्वारा केथी 2019 में जो बनाई गई थी उसी का रीमेक है। तो अगर आपने केथी को देखा है, हिंदी भाषा में भी वह रिलीज कर दी गई थी, तो अगर आपने केथी को देख लिया है तो इस फिल्म को आप वैसे ही देखोगे जैसे कि केथी में आप। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है भोला। जी हाँ, अजय देवगन की सबसे हिट मूवी में से एक फिल्म भोला, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोला मूवी कब YouTube पर रिलीज की जाएगी, किस तारीख को, इसका अपडेट क्या है। इसी के साथ भोला मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने काम किया है, इस मूवी को बनाने में कितनी कमाई हुई थी, इस मूवी को कितने बनाने में लागत हुई थी और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा था, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ इसकी कहानी, इसके किरदारों और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप भी अजय देवगन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोला 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसमें कि आपको अजय देवगन के द्वारा दिखे गए, निर्देशित हुआ हुआ और संयुक्त रूप से अजय देवगन एफ फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, टी सीरीज फिल्म्स और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के द्वारा यह निर्मित की गई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको देखेगा, यह 2019 की तमिल फिल्म केथी का रीमेक है, केथी की रीमेक है और इसमें आपको लीड रोल में दिखेंगे तब्बू, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, गजराज राव और विनीत कुमार देवगन मुख्य भूमिका में, जबकि अमला पॉल, अभिषेक बच्चन और रॉय लक्ष्मी विशेष रूप से दिखाई देते हैं, राय लक्ष्मी। इसी के साथ ये फिल्म एक पूर्व अपराधी का अनुसरण करती है जो 10 साल के कारावास के बाद अपनी बेटी से मिलने के बदले में जहरीले पुलिस कर्मियों से भरे ट्रक को अस्पताल ले जाते समय अपराधियों से लड़ता है। इस मूवी में आपको दिखेगा, यह मूवी मेन टॉपिक पर मैं बात करूं तो यह मूवी जो है राइटिंग की गई है वो आमिल कियान खान के द्वारा,
अंकुश सिंह के द्वारा, संदीप केवलानी के द्वारा और श्रीधर दुबे के द्वारा। यह फिल्म लोकेश कनगराज द्वारा केथी 2019 में जो बनाई गई थी उसी का रीमेक है। तो अगर आपने केथी को देखा है, हिंदी भाषा में भी वह रिलीज कर दी गई थी, तो अगर आपने केथी को देख लिया है तो इस फिल्म को आप वैसे ही देखोगे जैसे कि केथी में आप। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है भोला। जी हाँ, अजय देवगन की सबसे हिट मूवी में से एक फिल्म भोला, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोला मूवी कब YouTube पर रिलीज़ की जाएगी, किस तारीख को, इसका अपडेट क्या है। इसी के साथ भोला मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने काम किया है, इस मूवी को बनाने में कितनी कमाई हुई थी, इस मूवी को कितने बनाने में लागत हुई थी और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा था, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ इसकी कहानी, इसके किरदारों और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप भी अजय देवगन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोला 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसमें कि आपको अजय देवगन के द्वारा दिखे गए, निर्देशित हुआ हुआ और संयुक्त रूप से अजय देवगन एफ फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, टी सीरीज फिल्म्स और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के द्वारा यह निर्मित की गई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको देखेगा, यह 2019 की तमिल फिल्म केथी का रीमेक है, केथी की रीमेक है और इसमें आपको लीड रोल में दिखेंगे तब्बू, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, गजराज राव और विनीत कुमार देवगन मुख्य भूमिका में, जबकि अमला पॉल, अभिषेक बच्चन और रॉय लक्ष्मी विशेष रूप से दिखाई देते हैं, राय लक्ष्मी। इसी के साथ ये फिल्म एक पूर्व अपराधी का अनुसरण करती है जो 10 साल के कारावास के बाद अपनी बेटी से मिलने के बदले में जहरीले पुलिसकर्मियों से भरे ट्रक को अस्पताल ले जाते समय अपराधियों से लड़ता है। इस मूवी में आपको दिखेगा, यह मूवी मेन टॉपिक पर मैं बात करूँ तो यह मूवी जो है राइटिंग की गई है वो आमिल कियान खान के द्वारा, अंकुश सिंह के द्वारा, संदीप केवलानी के द्वारा और श्रीधर दुबे के द्वारा। यह फिल्म लोकेश कनगराज द्वारा केथी 2019 में जो बनाई गई थी उसी का रीमेक है। तो अगर आपने केथी को देखा है, हिंदी भाषा में भी वह रिलीज कर दी गई थी, तो अगर आपने केथी को देख लिया है तो इस फिल्म को आप वैसे ही देखोगे जैसे कि केथी में आप। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है भोला। जी हाँ, अजय देवगन की सबसे हिट मूवी में से एक फिल्म भोला, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोला मूवी कब YouTube पर रिलीज़ की जाएगी, किस तारीख को, इसका अपडेट क्या है। इसी के साथ भोला मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने काम किया है, इस मूवी को बनाने में कितनी कमाई हुई थी, इस मूवी को कितने बनाने में लागत हुई थी और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा था, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ इसकी कहानी, इसके किरदारों और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप भी अजय देवगन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोला 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसमें कि आपको अजय देवगन के द्वारा दिखे गए, निर्देशित हुआ हुआ और संयुक्त रूप से अजय देवगन एफ फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, टी सीरीज फिल्म्स और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के द्वारा यह निर्मित की गई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको दिखेगा, यह 2019 की तमिल फिल्म केथी का रीमेक है, केथी की रीमेक है और इसमें आपको लीड रोल में दिखेंगे तब्बू, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, गजराज राव और विनीत कुमार देवगन मुख्य भूमिका में, जबकि अमला पॉल, अभिषेक बच्चन और रॉय लक्ष्मी विशेष रूप से दिखाई देते हैं, राय लक्ष्मी।
इसी के साथ ये फिल्म एक पूर्व अपराधी का अनुसरण करती है जो 10 साल के कारोबार सॉरी जो 10 साल के कारावास के बाद अपनी बेटी से मिलने के बदले में जहरीले पुलिस कर्मियों से भरे ट्रक को अस्पताल ले जाते समय अपराधियों से लड़ता है। इस मूवी में आपको दिखेगा, यह मूवी मेन टॉपिक पर मैं बात करूँ तो यह मूवी जो है राइटिंग की गई है वो आमिल कियान खान के द्वारा, अंकुश सिंह के द्वारा, संदीप केवलानी के द्वारा और श्रीधर दुबे के द्वारा। यह फिल्म लोकेश कनगराज द्वारा केथी 2019 में जो बनाई गई थी उसी का रीमेक है। तो अगर आपने केथी को देखा है, हिंदी भाषा में भी वह रिलीज कर दी गई थी, तो अगर आपने केथी को देख लिया है तो इस फिल्म को आप वैसे ही देखोगे जैसे कि केथी में आप। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है भोला। जी हाँ, अजय देवगन की सबसे हिट मूवी में से एक फिल्म भोला, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोला मूवी कब YouTube पर रिलीज़ की जाएगी, किस तारीख को, इसका अपडेट क्या है। इसी के साथ भोला मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने काम किया है, इस मूवी को बनाने में कितनी कमाई हुई थी, इस मूवी को कितने बनाने में लागत हुई थी और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा था, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ इसकी कहानी, इसके किरदारों और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप भी अजय देवगन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोला 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसमें कि आपको अजय देवगन के द्वारा दिखे गए, निर्देशित हुआ हुआ और संयुक्त रूप से अजय देवगन एफ फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, टी सीरीज फिल्म्स और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के द्वारा यह निर्मित की गई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको दिखेगा, यह 2019 की तमिल फिल्म केथी का रीमेक है, केथी की रीमेक है और इसमें आपको लीड रोल में दिखेंगे तब्बू, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, गजराज राव और विनीत कुमार देवगन मुख्य भूमिका में, जबकि अमला पॉल, अभिषेक बच्चन और रॉय लक्ष्मी विशेष रूप से दिखाई देते हैं, राय लक्ष्मी। इसी के साथ ये फिल्म एक पूर्व अपराधी का अनुसरण करती है जो 10 साल के कारोबार सॉरी जो 10 साल के कारावास के बाद अपनी बेटी से मिलने के बदले में जहरीले पुलिस कर्मियों से भरे ट्रक को अस्पताल ले जाते समय अपराधियों से लड़ता है। इस मूवी में आपको दिखेगा, यह मूवी मेन टॉपिक पर मैं बात करूँ तो यह मूवी जो है राइटिंग की गई है वो आमिल कियान खान के द्वारा, अंकुश सिंह के द्वारा, संदीप केवलानी के द्वारा और श्रीधर दुबे के द्वारा। यह फिल्म लोकेश कनगराज द्वारा केथी 2019 में जो बनाई गई थी उसी का रीमेक है। तो अगर आपने केथी को देखा है, हिंदी भाषा में भी वह रिलीज कर दी गई थी, तो अगर आपने केथी को देख लिया है तो इस फिल्म को आप वैसे ही देखोगे जैसे कि केथी में आप। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है भोला। जी हाँ, अजय देवगन की सबसे हिट मूवी में से एक फिल्म भोला, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोला मूवी कब YouTube पर रिलीज़ की जाएगी, किस तारीख को, इसका अपडेट क्या है। इसी के साथ भोला मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने काम किया है, इस मूवी को बनाने में कितनी कमाई हुई थी, इस मूवी को कितने बनाने में लागत हुई थी और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा था, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ इसकी कहानी, इसके किरदारों और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप भी अजय देवगन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोला 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसमें कि आपको अजय देवगन के द्वारा दिखे गए, निर्देशित हुआ हुआ और संयुक्त रूप से अजय देवगन एफ फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, टी सीरीज फिल्म्स और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के द्वारा यह निर्मित की गई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको दिखेगा, यह 2019 की तमिल फिल्म केथी का रीमेक है,
केथी की रीमेक है, और उसमें आपको लीड रोल में दिखेंगे तब्बू, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, गजराज राव और विनीत कुमार देवगन मुख्य भूमिका में, जबकि अमला पॉल, अभिषेक बच्चन और रॉय लक्ष्मी विशेष रूप से दिखाई देते हैं, राय लक्ष्मी। इसी के साथ ये फिल्म एक पूर्व अपराधी का अनुसरण करती है जो 10 साल के कारोबार सॉरी जो 10 साल के कारावास के बाद अपनी बेटी से मिलने के बदले में जहरीले पुलिसकर्मियों से भरे ट्रक को अस्पताल ले जाते समय अपराधियों से लड़ता है। इस मूवी में आपको दिखेगा, ये मूवी मेन टॉपिक पर मैं बात करूँ तो यह मूवी जो है राइटिंग की गई है वो आमिल कियान खान के द्वारा, अंकुश सिंह के द्वारा, संदीप केवलानी के द्वारा और श्रीधर दुबे के द्वारा। यह फिल्म लोकेश कनगराज द्वारा केथी 2019 में जो बनाई गई थी उसी का रीमेक है। तो अगर आपने केथी को देखा है, हिंदी भाषा में भी वह रिलीज कर दी गई थी, तो अगर आपने केथी को देख लिया है तो इस फिल्म को आप वैसे ही देखोगे जैसे कि केथी में आप। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है भोला। जी हाँ, अजय देवगन की सबसे हिट मूवी में से एक फिल्म भोला, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोला मूवी कब YouTube पर रिलीज की जाएगी, किस तारीख को, इसका अपडेट क्या है। इसी के साथ भोला मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने काम किया है, इस मूवी को बनाने में कितनी कमाई हुई थी, इस मूवी को कितने बनाने में लागत हुई थी और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा था, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ इसकी कहानी, इसके किरदारों और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप भी अजय देवगन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोला 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसमें कि आपको अजय देवगन के द्वारा दिखे गए, निर्देशित हुआ हुआ और संयुक्त रूप से अजय देवगन एफ फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, टी सीरीज फिल्म्स और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के द्वारा यह निर्मित की गई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको दिखेगा, यह 2019 की तमिल फिल्म केथी का रीमेक है, केथी की रीमेक है, और उसमें आपको लीड रोल में दिखेंगे तब्बू, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, गजराज राव और विनीत कुमार देवगन मुख्य भूमिका में, जबकि अमला पॉल, अभिषेक बच्चन और रॉय लक्ष्मी विशेष रूप से दिखाई देते हैं, राय लक्ष्मी। इसी के साथ ये फिल्म एक पूर्व अपराधी का अनुसरण करती है जो 10 साल के कारोबार सॉरी जो 10 साल के कारावास के बाद अपनी बेटी से मिलने के बदले में जहरीले पुलिसकर्मियों से भरे ट्रक को अस्पताल ले जाते समय अपराधियों से लड़ता है। इस मूवी में आपको दिखेगा, ये मूवी मेन टॉपिक पर मैं बात करूँ तो यह मूवी जो है राइटिंग की गई है वो आमिल कियान खान के द्वारा, अंकुश सिंह के द्वारा, संदीप केवलानी के द्वारा और श्रीधर दुबे के द्वारा। यह फिल्म लोकेश कनगराज द्वारा केथी 2019 में जो बनाई गई थी उसी का रीमेक है। तो अगर आपने केथी को देखा है, हिंदी भाषा में भी वह रिलीज कर दी गई थी, तो अगर आपने केथी को देख लिया है तो इस फिल्म को आप वैसे ही देखोगे जैसे कि केथी में आप। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है भोला। जी हाँ, अजय देवगन की सबसे हिट मूवी में से एक फिल्म भोला, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोला मूवी कब YouTube पर रिलीज की जाएगी, किस तारीख को, इसका अपडेट क्या है। इसी के साथ भोला मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने काम किया है, इस मूवी को बनाने में कितनी कमाई हुई थी, इस मूवी को कितने बनाने में लागत हुई थी और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा था, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ इसकी कहानी, इसके किरदारों और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप भी अजय देवगन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोला 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है,
जिसमें कि आपको अजय देवगन के द्वारा दिखे गए, निर्देशित हुआ हुआ और संयुक्त रूप से अजय देवगन एफ फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, टी सीरीज फिल्म्स और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के द्वारा यह निर्मित की गई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको दिखेगा, यह 2019 की तमिल फिल्म केथी का रीमेक है, केथी की रीमेक है, और इसमें आपको लीड रोल में दिखेंगे तब्बू, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, गजराज राव और विनीत कुमार देवगन मुख्य भूमिका में, जबकि अमला पॉल, अभिषेक बच्चन और रॉय लक्ष्मी विशेष रूप से दिखाई देते हैं, राय लक्ष्मी। इसी के साथ ये फिल्म एक पूर्व अपराधी का अनुसरण करती है जो 10 साल के कारावास के बाद अपनी बेटी से मिलने के बदले में जहरीले पुलिस कर्मियों से भरे ट्रक को अस्पताल ले जाते समय अपराधियों से लड़ता है। इस मूवी में आपको दिखेगा, यह मूवी मेन टॉपिक पर मैं बात करूँ तो यह मूवी जो है राइटिंग की गई है वो आमिल कियान खान के द्वारा, अंकुश सिंह के द्वारा, संदीप केवलानी के द्वारा और श्रीधर दुबे के द्वारा। यह फिल्म लोकेश कनगराज द्वारा केथी 2019 में जो बनाई गई थी उसी का रीमेक है। तो अगर आपने केथी को देखा है, हिंदी भाषा में भी वह रिलीज कर दी गई थी, तो अगर आपने केथी को देख लिया है तो इस फिल्म को आप वैसे ही देखोगे जैसे कि केथी में आप। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है भोला। जी हाँ, अजय देवगन की सबसे हिट मूवी में से एक फिल्म भोला, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोला मूवी कब यूट्यूब पर रिलीज की जाएगी, किस तारीख को, इसका अपडेट क्या है। इसी के साथ भोला मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने काम किया है, इस मूवी को बनाने में कितनी कमाई हुई थी, इस मूवी को कितने बनाने में लागत हुई थी और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा था, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ इसकी कहानी, इसके किरदारों और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप भी अजय देवगन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोला 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसमें कि आपको अजय देवगन के द्वारा दिखे गए, निर्देशित हुआ हुआ और संयुक्त रूप से अजय देवगन एफ फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, टी सीरीज फिल्म्स और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के द्वारा यह निर्मित की गई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको दिखेगा, यह 2019 की तमिल फिल्म केथी का रीमेक है, केथी की रीमेक है, और इसमें आपको लीड रोल में दिखेंगे तब्बू, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, गजराज राव और विनीत कुमार देवगन मुख्य भूमिका में, जबकि अमला पॉल, अभिषेक बच्चन और रॉय लक्ष्मी विशेष रूप से दिखाई देते हैं, राय लक्ष्मी। इसी के साथ ये फिल्म एक पूर्व अपराधी का अनुसरण करती है जो 10 साल के कारावास के बाद अपनी बेटी से मिलने के बदले में जहरीले पुलिस कर्मियों से भरे ट्रक को अस्पताल ले जाते समय अपराधियों से लड़ता है। इस मूवी में आपको दिखेगा, यह मूवी मेन टॉपिक पर मैं बात करूँ तो यह मूवी जो है राइटिंग की गई है वो आमिल कियान खान के द्वारा, अंकुश सिंह के द्वारा, संदीप केवलानी के द्वारा और श्रीधर दुबे के द्वारा। यह फिल्म लोकेश कनगराज द्वारा केथी 2019 में जो बनाई गई थी उसी का रीमेक है। तो अगर आपने केथी को देखा है, हिंदी भाषा में भी वह रिलीज कर दी गई थी, तो अगर आपने केथी को देख लिया है तो इस फिल्म को आप वैसे ही देखोगे जैसे कि केथी में आप। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है भोला। जी हाँ, अजय देवगन की सबसे हिट मूवी में से एक फिल्म भोला, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोला मूवी कब यूट्यूब पर रिलीज की जाएगी, किस तारीख को, इसका अपडेट क्या है। इसी के साथ भोला मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने काम किया है, इस मूवी को बनाने में कितनी कमाई हुई थी, इस मूवी को कितने बनाने में लागत हुई थी और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा था, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ इसकी कहानी, इसके किरदारों और इसके
महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर आप भी अजय देवगन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोला 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसमें कि आपको अजय देवगन के द्वारा दिखे गए, निर्देशित हुआ हुआ और संयुक्त रूप से अजय देवगन एफ फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट टी सीरीज फिल्म्स और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के द्वारा यह निर्मित की गई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको देखेगा, यह 2019 की तमिल फिल्म केथी का रीमेक है, केथी की रीमेक है, और इसमें आपको लीड रोल में दिखेंगे तब्बू, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, गजराज राव और विनीत कुमार देवगन मुख्य भूमिका में, जबकि अमला पॉल, अभिषेक बच्चन और रॉय लक्ष्मी विशेष रूप से दिखाई देते हैं, राय लक्ष्मी। इसी के साथ ये फिल्म एक पूर्व अपराधी का अनुसरण करती है जो 10 साल के कारोबार सॉरी जो 10 साल के कारावास के बाद अपनी बेटी से मिलने के बदले में जहरीले पुलिस कर्मियों से भरे ट्रक को अस्पताल ले जाते समय अपराधियों से लड़ता है। इस मूवी में आपको दिखेगा, यह मूवी मेन टॉपिक पर मैं बात करूँ तो यह मूवी जो है राइटिंग की गई है वो आमिल कियान खान के द्वारा, अंकुश सिंह के द्वारा, संदीप केवलानी के द्वारा और श्रीधर दुबे के द्वारा। यह फिल्म लोकेश कनगराज द्वारा केथी 2019 में जो बनाई गई थी उसी का रीमेक है। तो अगर आपने केथी को देखा है, हिंदी भाषा में भी वह रिलीज कर दी गई थी, तो अगर आपने केथी को देख लिया है तो इस फिल्म को आप वैसे ही देखोगे जैसे कि केथी में आप। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। दोस्तों इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है भोला। जी हाँ, अजय देवगन की सबसे हिट मूवी में से एक फिल्म भोला, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोला मूवी कब YouTube पर रिलीज़ की जाएगी, किस तारीख को, इसका अपडेट क्या है। इसी के साथ भोला मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने काम किया है, इस मूवी को बनाने में कितनी कमाई हुई थी, इस मूवी को कितने बनाने में लागत हुई थी और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा था, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ इसकी कहानी, इसके किरदारों और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर आप भी अजय देवगन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोला 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसमें कि आपको अजय देवगन के द्वारा दिखे गए, निर्देशित हुआ हुआ और संयुक्त रूप से अजय देवगन एफ फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट टी सीरीज फिल्म्स और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के द्वारा यह निर्मित की गई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको दिखेगा, यह 2019 की तमिल फिल्म केथी का रीमेक है, केथी की रीमेक है, और इसमें आपको लीड रोल में दिखेंगे तब्बू, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, गजराज राव और विनीत कुमार देवगन मुख्य भूमिका में, जबकि अमला पॉल, अभिषेक बच्चन और रॉय लक्ष्मी विशेष रूप से दिखाई देते हैं, राय लक्ष्मी। इसी के साथ ये फिल्म एक पूर्व अपराधी का अनुसरण करती है जो 10 साल के कारोबार सॉरी जो 10 साल के कारावास के बाद अपनी बेटी से मिलने के बदले में जहरीले पुलिस कर्मियों से भरे ट्रक को अस्पताल ले जाते समय अपराधियों से लड़ता है। इस मूवी में आपको दिखेगा, यह मूवी मेन टॉपिक पर मैं बात करूँ तो यह मूवी जो है राइटिंग की गई है वो आमिल कियान खान के द्वारा, अंकुश सिंह के द्वारा, संदीप केवलानी के द्वारा और श्रीधर दुबे के द्वारा। यह फिल्म लोकेश कनगराज द्वारा केथी 2019 में जो बनाई गई थी उसी का रीमेक है। तो अगर आपने केथी को देखा है, हिंदी भाषा में भी वह रिलीज कर दी गई थी, तो अगर आपने केथी को देख लिया है तो इस फिल्म को आप वैसे ही देखोगे जैसे कि केथी में आप। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। दोस्तों इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है भोला। जी हाँ, अजय देवगन की सबसे हिट मूवी में से एक फिल्म भोला, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं।
इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोला मूवी कब YouTube पर रिलीज़ की जाएगी, किस तारीख को, इसका अपडेट क्या है। इसी के साथ भोला मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने काम किया है, इस मूवी को बनाने में कितनी कमाई हुई थी, इस मूवी को कितने बनाने में लागत हुई थी और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा था, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ इसकी कहानी, इसके किरदारों और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप भी अजय देवगन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोला 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसमें कि आपको अजय देवगन के द्वारा दिखे गए, निर्देशित हुआ हुआ और संयुक्त रूप से अजय देवगन एफ फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, टी सीरीज फिल्म्स और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के द्वारा यह निर्मित की गई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको दिखेगा, यह 2019 की तमिल फिल्म केथी का रीमेक है, केथी की रीमेक है और इसमें आपको लीड रोल में दिखेंगे तब्बू, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, गजराज राव और विनीत कुमार देवगन मुख्य भूमिका में, जबकि अमला पॉल, अभिषेक बच्चन और रॉय लक्ष्मी विशेष रूप से दिखाई देते हैं, राय लक्ष्मी। इसी के साथ ये फिल्म एक पूर्व अपराधी का अनुसरण करती है जो 10 साल के कारावास के बाद अपनी बेटी से मिलने के बदले में जहरीले पुलिस कर्मियों से भरे ट्रक को अस्पताल ले जाते समय अपराधियों से लड़ता है। इस मूवी में आपको दिखेगा, यह मूवी मेन टॉपिक पर मैं बात करूँ तो यह मूवी जो है राइटिंग की गई है वो आमिल कियान खान के द्वारा, अंकुश सिंह के द्वारा, संदीप केवलानी के द्वारा और श्रीधर दुबे के द्वारा। यह फिल्म लोकेश कनगराज द्वारा केथी 2019 में जो बनाई गई थी उसी का रीमेक है। तो अगर आपने केथी को देखा है, हिंदी भाषा में भी वह रिलीज कर दी गई थी, तो अगर आपने केथी को देख लिया है तो इस फिल्म को आप वैसे ही देखोगे जैसे कि केथी में आप। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। दोस्तों इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है भोला। जी हाँ, अजय देवगन की सबसे हिट मूवी में से एक फिल्म भोला, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोला मूवी कब YouTube पर रिलीज़ की जाएगी, किस तारीख को, इसका अपडेट क्या है। इसी के साथ भोला मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने काम किया है, इस मूवी को बनाने में कितनी कमाई हुई थी, इस मूवी को कितने बनाने में लागत हुई थी और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा था, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ इसकी कहानी, इसके किरदारों और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप भी अजय देवगन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोला 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसमें कि आपको अजय देवगन के द्वारा दिखे गए, निर्देशित हुआ हुआ और संयुक्त रूप से अजय देवगन एफ फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, टी सीरीज फिल्म्स और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के द्वारा यह निर्मित की गई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको दिखेगा, यह 2019 की तमिल फिल्म केथी का रीमेक है, केथी की रीमेक है और इसमें आपको लीड रोल में दिखेंगे तब्बू, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, गजराज राव और विनीत कुमार देवगन मुख्य भूमिका में, जबकि अमला पॉल, अभिषेक बच्चन और रॉय लक्ष्मी विशेष रूप से दिखाई देते हैं, राय लक्ष्मी। इसी के साथ ये फिल्म एक पूर्व अपराधी का अनुसरण करती है जो 10 साल के कारावास के बाद अपनी बेटी से मिलने के बदले में जहरीले पुलिस कर्मियों से भरे ट्रक को अस्पताल ले जाते समय अपराधियों से लड़ता है। इस मूवी में आपको दिखेगा, यह मूवी मेन टॉपिक पर मैं बात करूं तो यह मूवी जो है राइटिंग की गई है वो आमिल कियान खान के द्वारा, अंकुश सिंह के द्वारा, संदीप केवलानी के द्वारा और श्रीधर दुबे के द्वारा। यह फिल्म लोकेश कनगराज द्वारा केथी 2019 में जो बनाई गई थी उसी का रीमेक है। तो अगर आपने केथी को देखा है, हिंदी भाषा में भी वह रिलीज कर दी गई थी, तो अगर आपने केथी को देख लिया है
तो इस फिल्म को आप वैसे ही देखोगे जैसे कि कहती मैं आप। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है भोला। जी हाँ, अजय देवगन की सबसे हिट मूवी में से एक फिल्म भोला, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोला मूवी कब YouTube पर रिलीज़ की जाएगी, किस तारीख को, इसका अपडेट क्या है। इसी के साथ भोला मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने काम किया है, इस मूवी को बनाने में कितनी कमाई हुई थी, इस मूवी को कितने बनाने में लागत हुई थी और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा था, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ इसकी कहानी, इसके किरदारों और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप भी अजय देवगन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोला 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसमें कि आपको अजय देवगन के द्वारा दिखे गए, निर्देशित हुआ हुआ और संयुक्त रूप से अजय देवगन एफ फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, टी सीरीज फिल्म्स और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के द्वारा यह निर्मित की गई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको दिखेगा, यह 2019 की तमिल फिल्म केथी का रीमेक है, केथी की रीमेक है और इसमें आपको लीड रोल में दिखेंगे तब्बू, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, गजराज राव और विनीत कुमार देवगन मुख्य भूमिका में, जबकि अमला पॉल, अभिषेक बच्चन और रॉय लक्ष्मी विशेष रूप से दिखाई देते हैं, राय लक्ष्मी। इसी के साथ ये फिल्म एक पूर्व अपराधी का अनुसरण करती है जो 10 साल के कारावास के बाद अपनी बेटी से मिलने के बदले में जहरीले पुलिसकर्मियों से भरे ट्रक को अस्पताल ले जाते समय अपराधियों से लड़ता है। इस मूवी में आपको दिखेगा, ये मूवी मेन टॉपिक पर मैं बात करूँ तो यह मूवी जो है राइटिंग की गई है वो आमिल कियान खान के द्वारा, अंकुश सिंह के द्वारा, संदीप केवलानी के द्वारा और श्रीधर दुबे के द्वारा। यह फिल्म लोकेश कनगराज द्वारा केथी 2019 में जो बनाई गई थी उसी का रीमेक है। तो अगर आपने केथी को देखा है, हिंदी भाषा में भी वह रिलीज कर दी गई थी, तो अगर आपने केथी को देख लिया है तो इस फिल्म को आप वैसे ही देखोगे जैसे कि केथी में आप। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है भोला। जी हाँ, अजय देवगन की सबसे हिट मूवी में से एक फिल्म भोला, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोला मूवी कब YouTube पर रिलीज़ की जाएगी, किस तारीख को, इसका अपडेट क्या है। इसी के साथ भोला मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने काम किया है, इस मूवी को बनाने में कितनी कमाई हुई थी, इस मूवी को कितने बनाने में लागत हुई थी और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा था, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ इसकी कहानी, इसके किरदारों और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप भी अजय देवगन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोला 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसमें कि आपको अजय देवगन के द्वारा दिखे गए, निर्देशित हुआ हुआ और संयुक्त रूप से अजय देवगन एफ फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, टी सीरीज फिल्म्स और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के द्वारा यह निर्मित की गई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको दिखेगा, यह 2019 की तमिल फिल्म केथी का रीमेक है, केथी की रीमेक है और इसमें आपको लीड रोल में दिखेंगे तब्बू, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, गजराज राव और विनीत कुमार देवगन मुख्य भूमिका में, जबकि अमला पॉल, अभिषेक बच्चन और रॉय लक्ष्मी विशेष रूप से दिखाई देते हैं, राय लक्ष्मी। इसी के साथ ये फिल्म एक पूर्व अपराधी का अनुसरण करती है जो 10 साल के कारावास के बाद अपनी बेटी से मिलने के बदले में जहरीले पुलिसकर्मियों से भरे ट्रक को अस्पताल ले जाते समय अपराधियों से लड़ता है। इस मूवी में आपको दिखेगा, ये मूवी
मेन टॉपिक पर मैं बात करूँ तो यह मूवी जो है राइटिंग की गई है वो आमिल कियान खान के द्वारा, अंकुश सिंह के द्वारा, संदीप केवलानी के द्वारा और श्रीधर दुबे के द्वारा। यह फिल्म लोकेश कनगराज द्वारा केथी 2019 में जो बनाई गई थी उसी का रीमेक है। तो अगर आपने केथी को देखा है, हिंदी भाषा में भी वह रिलीज कर दी गई थी, तो अगर आपने केथी को देख लिया है तो इस फिल्म को आप वैसे ही देखोगे जैसे कि केथी में आप। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है भोला। जी हाँ, अजय देवगन की सबसे हिट मूवी में से एक फिल्म भोला, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोला मूवी कब यूट्यूब पर रिलीज़ की जाएगी, किस तारीख को, इसका अपडेट क्या है। इसी के साथ भोला मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने काम किया है, इस मूवी को बनाने में कितनी कमाई हुई थी, इस मूवी को कितने बनाने में लागत हुई थी और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा था, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ इसकी कहानी, इसके किरदारों और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप भी अजय देवगन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोला 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसमें कि आपको अजय देवगन के द्वारा दिखे गए, निर्देशित हुआ हुआ और संयुक्त रूप से अजय देवगन एफ फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, टी सीरीज फिल्म्स और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के द्वारा यह निर्मित की गई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको देखेगा, यह 2019 की तमिल फिल्म केथी का रीमेक है, केथी की रीमेक है और इसमें आपको लीड रोल में दिखेंगे तब्बू, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, गजराज राव और विनीत कुमार देवगन मुख्य भूमिका में, जबकि अमला पॉल, अभिषेक बच्चन और रॉय लक्ष्मी विशेष रूप से दिखाई देते हैं, राय लक्ष्मी। इसी के साथ ये फिल्म एक पूर्व अपराधी का अनुसरण करती है जो 10 साल के कारोबार सॉरी जो 10 साल के कारावास के बाद अपनी बेटी से मिलने के बदले में जहरीले पुलिस कर्मियों से भरे ट्रक को अस्पताल ले जाते समय अपराधियों से लड़ता है। इस मूवी में आपको दिखेगा, यह मूवी मेन टॉपिक पर मैं बात करूँ तो यह मूवी जो है राइटिंग की गई है वो आमिल कियान खान के द्वारा, अंकुश सिंह के द्वारा, संदीप केवलानी के द्वारा और श्रीधर दुबे के द्वारा। यह फिल्म लोकेश कनगराज द्वारा केथी 2019 में जो बनाई गई थी उसी का रीमेक है। तो अगर आपने केथी को देखा है, हिंदी भाषा में भी वह रिलीज कर दी गई थी, तो अगर आपने केथी को देख लिया है तो इस फिल्म को आप वैसे ही देखोगे जैसे कि केथी में आप। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है भोला। जी हाँ, अजय देवगन की सबसे हिट मूवी में से एक फिल्म भोला, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोला मूवी कब यूट्यूब पर रिलीज़ की जाएगी, किस तारीख को, इसका अपडेट क्या है। इसी के साथ भोला मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने काम किया है, इस मूवी को बनाने में कितनी कमाई हुई थी, इस मूवी को कितने बनाने में लागत हुई थी और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा था, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ इसकी कहानी, इसके किरदारों और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप भी अजय देवगन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोला 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसमें कि आपको अजय देवगन के द्वारा दिखे गए, निर्देशित हुआ हुआ और संयुक्त रूप से अजय देवगन एफ फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, टी सीरीज फिल्म्स और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के द्वारा यह निर्मित की गई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको देखेगा, यह 2019 की तमिल फिल्म केथी का रीमेक है, केथी की रीमेक है और इसमें आपको लीड रोल में दिखेंगे तब्बू, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, गजराज राव और विनीत कुमार देवगन मुख्य भूमिका में, जबकि अमला पॉल, अभिषेक बच्चन और रॉय लक्ष्मी विशेष रूप से दिखाई देते हैं,
राय लक्ष्मी। इसी के साथ ये फिल्म एक पूर्व अपराधी का अनुसरण करती है जो 10 साल के कारोबार सॉरी जो 10 साल के कारावास के बाद अपनी बेटी से मिलने के बदले में जहरीले पुलिस कर्मियों से भरे ट्रक को अस्पताल ले जाते समय अपराधियों से लड़ता है। इस मूवी में आपको दिखेगा, यह मूवी मेन टॉपिक पर मैं बात करूँ तो यह मूवी जो है राइटिंग की गई है वो आमिल कियान खान के द्वारा, अंकुश सिंह के द्वारा, संदीप केवलानी के द्वारा और श्रीधर दुबे के द्वारा। यह फिल्म लोकेश कनगराज द्वारा केथी 2019 में जो बनाई गई थी उसी का रीमेक है। तो अगर आपने केथी को देखा है, हिंदी भाषा में भी वह रिलीज कर दी गई थी, तो अगर आपने केथी को देख लिया है तो इस फिल्म को आप वैसे ही देखोगे जैसे कि केथी में आप। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है भोला। जी हाँ, अजय देवगन की सबसे हिट मूवी में से एक फिल्म भोला, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोला मूवी कब YouTube पर रिलीज़ की जाएगी, किस तारीख को, इसका अपडेट क्या है। इसी के साथ भोला मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने काम किया है, इस मूवी को बनाने में कितनी कमाई हुई थी, इस मूवी को कितने बनाने में लागत हुई थी और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा था, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ इसकी कहानी, इसके किरदारों और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप भी अजय देवगन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोला 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसमें कि आपको अजय देवगन के द्वारा दिखे गए, निर्देशित हुआ हुआ और संयुक्त रूप से अजय देवगन एफ फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, टी सीरीज फिल्म्स और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के द्वारा यह निर्मित की गई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको दिखेगा, यह 2019 की तमिल फिल्म केथी का रीमेक है, केथी की रीमेक है और इसमें आपको लीड रोल में दिखेंगे तब्बू, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, गजराज राव और विनीत कुमार देवगन मुख्य भूमिका में, जबकि अमला पॉल, अभिषेक बच्चन और रॉय लक्ष्मी विशेष रूप से दिखाई देते हैं, राय लक्ष्मी। इसी के साथ ये फिल्म एक पूर्व अपराधी का अनुसरण करती है जो 10 साल के कारोबार सॉरी जो 10 साल के कारावास के बाद अपनी बेटी से मिलने के बदले में जहरीले पुलिस कर्मियों से भरे ट्रक को अस्पताल ले जाते समय अपराधियों से लड़ता है। इस मूवी में आपको दिखेगा, यह मूवी मेन टॉपिक पर मैं बात करूँ तो यह मूवी जो है राइटिंग की गई है वो आमिल कियान खान के द्वारा, अंकुश सिंह के द्वारा, संदीप केवलानी के द्वारा और श्रीधर दुबे के द्वारा। यह फिल्म लोकेश कनगराज द्वारा केथी 2019 में जो बनाई गई थी उसी का रीमेक है। तो अगर आपने केथी को देखा है, हिंदी भाषा में भी वह रिलीज कर दी गई थी, तो अगर आपने केथी को देख लिया है तो इस फिल्म को आप वैसे ही देखोगे जैसे कि केथी में आप। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है भोला। जी हाँ, अजय देवगन की सबसे हिट मूवी में से एक फिल्म भोला, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोला मूवी कब YouTube पर रिलीज़ की जाएगी, किस तारीख को, इसका अपडेट क्या है। इसी के साथ भोला मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने काम किया है, इस मूवी को बनाने में कितनी कमाई हुई थी, इस मूवी को कितने बनाने में लागत हुई थी और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा था, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ इसकी कहानी, इसके किरदारों और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप भी अजय देवगन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोला 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसमें कि आपको अजय देवगन के द्वारा दिखे गए, निर्देशित हुआ हुआ और संयुक्त रूप से अजय देवगन एफ फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, टी सीरीज फिल्म्स और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के द्वारा यह निर्मित की गई है।
इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको दिखेगा, यह 2019 की तमिल फिल्म केथी का रीमेक है, केथी की रीमेक है, और इसमें आपको लीड रोल में दिखेंगे तब्बू, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, गजराज राव और विनीत कुमार देवगन मुख्य भूमिका में, जबकि अमला पॉल, अभिषेक बच्चन और रॉय लक्ष्मी विशेष रूप से दिखाई देते हैं, राय लक्ष्मी। इसी के साथ ये फिल्म एक पूर्व अपराधी का अनुसरण करती है जो 10 साल के कारोबार सॉरी जो 10 साल के कारावास के बाद अपनी बेटी से मिलने के बदले में जहरीले पुलिसकर्मियों से भरे ट्रक को अस्पताल ले जाते समय अपराधियों से लड़ता है। इस मूवी में आपको दिखेगा, यह मूवी मेन टॉपिक पर मैं बात करूँ तो यह मूवी जो है राइटिंग की गई है वो आमिल कियान खान के द्वारा, अंकुश सिंह के द्वारा, संदीप केवलानी के द्वारा और श्रीधर दुबे के द्वारा। यह फिल्म लोकेश कनगराज द्वारा केथी 2019 में जो बनाई गई थी उसी का रीमेक है। तो अगर आपने केथी को देखा है, हिंदी भाषा में भी वह रिलीज कर दी गई थी, तो अगर आपने केथी को देख लिया है तो इस फिल्म को आप वैसे ही देखोगे जैसे कि केथी में आप। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है भोला। जी हाँ, अजय देवगन की सबसे हिट मूवी में से एक फिल्म भोला, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोला मूवी कब YouTube पर रिलीज की जाएगी, किस तारीख को, इसका अपडेट क्या है। इसी के साथ भोला मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने काम किया है, इस मूवी को बनाने में कितनी कमाई हुई थी, इस मूवी को कितने बनाने में लागत हुई थी और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा था, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ इसकी कहानी, इसके किरदारों और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप भी अजय देवगन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोला 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसमें कि आपको अजय देवगन के द्वारा दिखे गए, निर्देशित हुआ हुआ और संयुक्त रूप से अजय देवगन एफ फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, टी सीरीज फिल्म्स और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के द्वारा यह निर्मित की गई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको दिखेगा, यह 2019 की तमिल फिल्म केथी का रीमेक है, केथी की रीमेक है, और इसमें आपको लीड रोल में दिखेंगे तब्बू, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, गजराज राव और विनीत कुमार देवगन मुख्य भूमिका में, जबकि अमला पॉल, अभिषेक बच्चन और रॉय लक्ष्मी विशेष रूप से दिखाई देते हैं, राय लक्ष्मी। इसी के साथ ये फिल्म एक पूर्व अपराधी का अनुसरण करती है जो 10 साल के कारोबार सॉरी जो 10 साल के कारावास के बाद अपनी बेटी से मिलने के बदले में जहरीले पुलिसकर्मियों से भरे ट्रक को अस्पताल ले जाते समय अपराधियों से लड़ता है। इस मूवी में आपको दिखेगा, यह मूवी मेन टॉपिक पर मैं बात करूँ तो यह मूवी जो है राइटिंग की गई है वो आमिल कियान खान के द्वारा, अंकुश सिंह के द्वारा, संदीप केवलानी के द्वारा और श्रीधर दुबे के द्वारा। यह फिल्म लोकेश कनगराज द्वारा केथी 2019 में जो बनाई गई थी उसी का रीमेक है। तो अगर आपने केथी को देखा है, हिंदी भाषा में भी वह रिलीज कर दी गई थी, तो अगर आपने केथी को देख लिया है तो इस फिल्म को आप वैसे ही देखोगे जैसे कि केथी में आप। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है भोला। जी हाँ, अजय देवगन की सबसे हिट मूवी में से एक फिल्म भोला, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोला मूवी कब YouTube पर रिलीज की जाएगी, किस तारीख को, इसका अपडेट क्या है। इसी के साथ भोला मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने काम किया है, इस मूवी को बनाने में कितनी कमाई हुई थी, इस मूवी को कितने बनाने में लागत हुई थी और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा था, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ इसकी कहानी, इसके किरदारों और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप भी अजय देवगन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोला
2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसमें कि आपको अजय देवगन के द्वारा दिखे गए, निर्देशित हुआ हुआ और संयुक्त रूप से अजय देवगन एफ फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, टी सीरीज फिल्म्स और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के द्वारा यह निर्मित की गई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको दिखेगा, यह 2019 की तमिल फिल्म केथी का रीमेक है, केथी की रीमेक है, और इसमें आपको लीड रोल में दिखेंगे तब्बू, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, गजराज राव और विनीत कुमार देवगन मुख्य भूमिका में, जबकि अमला पॉल, अभिषेक बच्चन और रॉय लक्ष्मी विशेष रूप से दिखाई देते हैं, राय लक्ष्मी। इसी के साथ ये फिल्म एक पूर्व अपराधी का अनुसरण करती है जो 10 साल के कारावास के बाद अपनी बेटी से मिलने के बदले में जहरीले पुलिस कर्मियों से भरे ट्रक को अस्पताल ले जाते समय अपराधियों से लड़ता है। इस मूवी में आपको दिखेगा, ये मूवी मेन टॉपिक पर मैं बात करूँ तो यह मूवी जो है राइटिंग की गई है वो आमिल कियान खान के द्वारा, अंकुश सिंह के द्वारा, संदीप केवलानी के द्वारा और श्रीधर दुबे के द्वारा। यह फिल्म लोकेश कनगराज द्वारा केथी 2019 में जो बनाई गई थी उसी का रीमेक है। तो अगर आपने केथी को देखा है, हिंदी भाषा में भी वह रिलीज कर दी गई थी, तो अगर आपने केथी को देख लिया है तो इस फिल्म को आप वैसे ही देखोगे जैसे कि केथी में आप। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है भोला। जी हाँ, अजय देवगन की सबसे हिट मूवी में से एक फिल्म भोला, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोला मूवी कब YouTube पर रिलीज की जाएगी, किस तारीख को, इसका अपडेट क्या है। इसी के साथ भोला मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने काम किया है, इस मूवी को बनाने में कितनी कमाई हुई थी, इस मूवी को कितने बनाने में लागत हुई थी और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा था, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ इसकी कहानी, इसके किरदारों और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप भी अजय देवगन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोला 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसमें कि आपको अजय देवगन के द्वारा दिखे गए, निर्देशित हुआ हुआ और संयुक्त रूप से अजय देवगन एफ फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, टी सीरीज फिल्म्स और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के द्वारा यह निर्मित की गई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको दिखेगा, यह 2019 की तमिल फिल्म केथी का रीमेक है, केथी की रीमेक है, और इसमें आपको लीड रोल में दिखेंगे तब्बू, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, गजराज राव और विनीत कुमार देवगन मुख्य भूमिका में, जबकि अमला पॉल, अभिषेक बच्चन और रॉय लक्ष्मी विशेष रूप से दिखाई देते हैं, राय लक्ष्मी। इसी के साथ ये फिल्म एक पूर्व अपराधी का अनुसरण करती है जो 10 साल के कारावास के बाद अपनी बेटी से मिलने के बदले में जहरीले पुलिस कर्मियों से भरे ट्रक को अस्पताल ले जाते समय अपराधियों से लड़ता है। इस मूवी में आपको दिखेगा, यह मूवी मेन टॉपिक पर मैं बात करूँ तो यह मूवी जो है राइटिंग की गई है वो आमिल कियान खान के द्वारा, अंकुश सिंह के द्वारा, संदीप केवलानी के द्वारा और श्रीधर दुबे के द्वारा। यह फिल्म लोकेश कनगराज द्वारा केथी 2019 में जो बनाई गई थी उसी का रीमेक है। तो अगर आपने केथी को देखा है, हिंदी भाषा में भी वह रिलीज कर दी गई थी, तो अगर आपने केथी को देख लिया है तो इस फिल्म को आप वैसे ही देखोगे जैसे कि केथी में आप। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है भोला। जी हाँ, अजय देवगन की सबसे हिट मूवी में से एक फिल्म भोला, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोला मूवी कब YouTube पर रिलीज की जाएगी, किस तारीख को, इसका अपडेट क्या है।
इसी के साथ भोला मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने काम किया है, इस मूवी को बनाने में कितनी कमाई हुई थी, इस मूवी को कितने बनाने में लागत हुई थी और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा था, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ इसकी कहानी, इसके किरदारों और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप भी अजय देवगन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोला 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसमें कि आपको अजय देवगन के द्वारा दिखे गए, निर्देशित हुआ हुआ और संयुक्त रूप से अजय देवगन एफ फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, टी सीरीज फिल्म्स और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के द्वारा यह निर्मित की गई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको देखेगा, यह 2019 की तमिल फिल्म केथी का रीमेक है, केथी की रीमेक है और इसमें आपको लीड रोल में दिखेंगे तब्बू, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, गजराज राव और विनीत कुमार देवगन मुख्य भूमिका में, जबकि अमला पॉल, अभिषेक बच्चन और रॉय लक्ष्मी विशेष रूप से दिखाई देते हैं, राय लक्ष्मी। इसी के साथ ये फिल्म एक पूर्व अपराधी का अनुसरण करती है जो 10 साल के कारोबार सॉरी जो 10 साल के कारावास के बाद अपनी बेटी से मिलने के बदले में जहरीले पुलिसकर्मियों से भरे ट्रक को अस्पताल ले जाते समय अपराधियों से लड़ता है। इस मूवी में आपको दिखेगा, यह मूवी मेन टॉपिक पर मैं बात करूँ तो यह मूवी जो है राइटिंग की गई है वो आमिल कियान खान के द्वारा, अंकुश सिंह के द्वारा, संदीप केवलानी के द्वारा और श्रीधर दुबे के द्वारा। यह फिल्म लोकेश कनगराज द्वारा केथी 2019 में जो बनाई गई थी उसी का रीमेक है। तो अगर आपने केथी को देखा है, हिंदी भाषा में भी वह रिलीज कर दी गई थी, तो अगर आपने केथी को देख लिया है तो इस फिल्म को आप वैसे ही देखोगे जैसे कि केथी में आप। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। दोस्तों इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है भोला। जी हाँ, अजय देवगन की सबसे हिट मूवी में से एक फिल्म भोला, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोला मूवी कब YouTube पर रिलीज़ की जाएगी, किस तारीख को, इसका अपडेट क्या है। इसी के साथ भोला मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने काम किया है, इस मूवी को बनाने में कितनी कमाई हुई थी, इस मूवी को कितने बनाने में लागत हुई थी और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा था, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ इसकी कहानी, इसके किरदारों और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप भी अजय देवगन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोला 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसमें कि आपको अजय देवगन के द्वारा दिखे गए, निर्देशित हुआ हुआ और संयुक्त रूप से अजय देवगन एफ फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, टी सीरीज फिल्म्स और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के द्वारा यह निर्मित की गई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको देखेगा, यह 2019 की तमिल फिल्म केथी का रीमेक है, केथी की रीमेक है और इसमें आपको लीड रोल में दिखेंगे तब्बू, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, गजराज राव और विनीत कुमार देवगन मुख्य भूमिका में, जबकि अमला पॉल, अभिषेक बच्चन और रॉय लक्ष्मी विशेष रूप से दिखाई देते हैं, राय लक्ष्मी। इसी के साथ ये फिल्म एक पूर्व अपराधी का अनुसरण करती है जो 10 साल के कारोबार सॉरी जो 10 साल के कारावास के बाद अपनी बेटी से मिलने के बदले में जहरीले पुलिसकर्मियों से भरे ट्रक को अस्पताल ले जाते समय अपराधियों से लड़ता है। इस मूवी में आपको दिखेगा, यह मूवी मेन टॉपिक पर मैं बात करूँ तो यह मूवी जो है राइटिंग की गई है वो आमिल कियान खान के द्वारा, अंकुश सिंह के द्वारा, संदीप केवलानी के द्वारा और श्रीधर दुबे के द्वारा। यह फिल्म लोकेश कनगराज द्वारा केथी 2019 में जो बनाई गई थी उसी का रीमेक है। तो अगर आपने केथी को देखा है, हिंदी भाषा में भी वह रिलीज कर दी गई थी, तो अगर आपने केथी को देख लिया है तो इस फिल्म को आप वैसे ही देखोगे जैसे कि केथी में आप।
नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है भोला। जी हाँ, अजय देवगन की सबसे हिट मूवी में से एक फिल्म भोला, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोला मूवी कब YouTube पर रिलीज़ की जाएगी, किस तारीख को, इसका अपडेट क्या है। इसी के साथ भोला मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने काम किया है, इस मूवी को बनाने में कितनी कमाई हुई थी, इस मूवी को कितने बनाने में लागत हुई थी और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा था, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ इसकी कहानी, इसके किरदारों और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप भी अजय देवगन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोला 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसमें कि आपको अजय देवगन के द्वारा दिखे गए, निर्देशित हुआ हुआ और संयुक्त रूप से अजय देवगन एफ फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, टी सीरीज फिल्म्स और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के द्वारा यह निर्मित की गई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको दिखेगा, यह 2019 की तमिल फिल्म केथी का रीमेक है, केथी की रीमेक है और इसमें आपको लीड रोल में दिखेंगे तब्बू, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, गजराज राव और विनीत कुमार देवगन मुख्य भूमिका में, जबकि अमला पॉल, अभिषेक बच्चन और रॉय लक्ष्मी विशेष रूप से दिखाई देते हैं, राय लक्ष्मी। इसी के साथ ये फिल्म एक पूर्व अपराधी का अनुसरण करती है जो 10 साल के कारोबार सॉरी जो 10 साल के कारावास के बाद अपनी बेटी से मिलने के बदले में जहरीले पुलिस कर्मियों से भरे ट्रक को अस्पताल ले जाते समय अपराधियों से लड़ता है। इस मूवी में आपको दिखेगा, यह मूवी मेन टॉपिक पर मैं बात करूँ तो यह मूवी जो है राइटिंग की गई है वो आमिल कियान खान के द्वारा, अंकुश सिंह के द्वारा, संदीप केवलानी के द्वारा और श्रीधर दुबे के द्वारा। यह फिल्म लोकेश कनगराज द्वारा केथी 2019 में जो बनाई गई थी उसी का रीमेक है। तो अगर आपने केथी को देखा है, हिंदी भाषा में भी वह रिलीज कर दी गई थी, तो अगर आपने केथी को देख लिया है तो इस फिल्म को आप वैसे ही देखोगे जैसे कि केथी में आप। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है भोला। जी हाँ, अजय देवगन की सबसे हिट मूवी में से एक फिल्म भोला, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोला मूवी कब YouTube पर रिलीज़ की जाएगी, किस तारीख को, इसका अपडेट क्या है। इसी के साथ भोला मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने काम किया है, इस मूवी को बनाने में कितनी कमाई हुई थी, इस मूवी को कितने बनाने में लागत हुई थी और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा था, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ इसकी कहानी, इसके किरदारों और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप भी अजय देवगन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोला 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसमें कि आपको अजय देवगन के द्वारा दिखे गए, निर्देशित हुआ हुआ और संयुक्त रूप से अजय देवगन एफ फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, टी सीरीज फिल्म्स और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के द्वारा यह निर्मित की गई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको दिखेगा, यह 2019 की तमिल फिल्म केथी का रीमेक है, केथी की रीमेक है और इसमें आपको लीड रोल में दिखेंगे तब्बू, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, गजराज राव और विनीत कुमार देवगन मुख्य भूमिका में, जबकि अमला पॉल, अभिषेक बच्चन और रॉय लक्ष्मी विशेष रूप से दिखाई देते हैं, राय लक्ष्मी। इसी के साथ ये फिल्म एक पूर्व अपराधी का अनुसरण करती है जो 10 साल के कारोबार सॉरी जो 10 साल के कारावास के बाद अपनी बेटी से मिलने के बदले में जहरीले पुलिस कर्मियों से भरे ट्रक को अस्पताल ले जाते समय अपराधियों से लड़ता है। इस मूवी में आपको दिखेगा, यह मूवी मेन टॉपिक पर मैं बात करूँ तो यह मूवी जो है राइटिंग की गई है वो आमिल कियान खान के द्वारा,
अंकुश सिंह के द्वारा, संदीप केवलानी के द्वारा और श्रीधर दुबे के द्वारा। यह फिल्म लोकेश कनगराज द्वारा केथी 2019 में जो बनाई गई थी उसी का रीमेक है। तो अगर आपने केथी को देखा है, हिंदी भाषा में भी वह रिलीज कर दी गई थी, तो अगर आपने केथी को देख लिया है तो इस फिल्म को आप वैसे ही देखोगे जैसे कि केथी में आप। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है भोला। जी हाँ, अजय देवगन की सबसे हिट मूवी में से एक फिल्म भोला, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोला मूवी कब YouTube पर रिलीज़ की जाएगी, किस तारीख को, इसका अपडेट क्या है। इसी के साथ भोला मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने काम किया है, इस मूवी को बनाने में कितनी कमाई हुई थी, इस मूवी को कितने बनाने में लागत हुई थी और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा था, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ इसकी कहानी, इसके किरदारों और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप भी अजय देवगन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोला 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसमें कि आपको अजय देवगन के द्वारा दिखे गए, निर्देशित हुआ हुआ और संयुक्त रूप से अजय देवगन एफ फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, टी सीरीज फिल्म्स और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के द्वारा यह निर्मित की गई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको दिखेगा, यह 2019 की तमिल फिल्म केथी का रीमेक है, केथी की रीमेक है और इसमें आपको लीड रोल में दिखेंगे तब्बू, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, गजराज राव और विनीत कुमार देवगन मुख्य भूमिका में, जबकि अमला पॉल, अभिषेक बच्चन और रॉय लक्ष्मी विशेष रूप से दिखाई देते हैं, राय लक्ष्मी। इसी के साथ ये फिल्म एक पूर्व अपराधी का अनुसरण करती है जो 10 साल के कारावास के बाद अपनी बेटी से मिलने के बदले में जहरीले पुलिसकर्मियों से भरे ट्रक को अस्पताल ले जाते समय अपराधियों से लड़ता है। इस मूवी में आपको दिखेगा, ये मूवी मेन टॉपिक पर मैं बात करूँ तो यह मूवी जो है राइटिंग की गई है वो आमिल कियान खान के द्वारा, अंकुश सिंह के द्वारा, संदीप केवलानी के द्वारा और श्रीधर दुबे के द्वारा। यह फिल्म लोकेश कनगराज द्वारा केथी 2019 में जो बनाई गई थी उसी का रीमेक है। तो अगर आपने केथी को देखा है, हिंदी भाषा में भी वह रिलीज कर दी गई थी, तो अगर आपने केथी को देख लिया है तो इस फिल्म को आप वैसे ही देखोगे जैसे कि केथी में आप। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है भोला। जी हाँ, अजय देवगन की सबसे हिट मूवी में से एक फिल्म भोला, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोला मूवी कब YouTube पर रिलीज़ की जाएगी, किस तारीख को, इसका अपडेट क्या है। इसी के साथ भोला मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने काम किया है, इस मूवी को बनाने में कितनी कमाई हुई थी, इस मूवी को कितने बनाने में लागत हुई थी और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा था, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ इसकी कहानी, इसके किरदारों और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप भी अजय देवगन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोला 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसमें कि आपको अजय देवगन के द्वारा दिखे गए, निर्देशित हुआ हुआ और संयुक्त रूप से अजय देवगन एफ फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, टी सीरीज फिल्म्स और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के द्वारा यह निर्मित की गई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको दिखेगा, यह 2019 की तमिल फिल्म केथी का रीमेक है, केथी की रीमेक है और इसमें आपको लीड रोल में दिखेंगे तब्बू, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, गजराज राव और विनीत कुमार देवगन मुख्य भूमिका में, जबकि अमला पॉल, अभिषेक बच्चन और रॉय लक्ष्मी विशेष रूप से दिखाई देते हैं, राय लक्ष्मी।
इसी के साथ ये फिल्म एक पूर्व अपराधी का अनुसरण करती है जो 10 साल के कारोबार सॉरी जो 10 साल के कारावास के बाद अपनी बेटी से मिलने के बदले में जहरीले पुलिसकर्मियों से भरे ट्रक को अस्पताल ले जाते समय अपराधियों से लड़ता है। इस मूवी में आपको दिखेगा ये मूवी मेन टॉपिक पर मैं बात करूँ तो यह मूवी जो है राइटिंग की गई है वो आमिल कियान खान के द्वारा, अंकुश सिंह के द्वारा, संदीप केवलानी के द्वारा और श्रीधर दुबे के द्वारा। यह फिल्म लोकेश कनगराज द्वारा केथी 2019 में जो बनाई गई थी उसी का रीमेक है। तो अगर आपने केथी को देखा है, हिंदी भाषा में भी वह रिलीज कर दी गई थी, तो अगर आपने केथी को देख लिया है तो इस फिल्म को आप वैसे ही देखोगे जैसे कि केथी में आप। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है भोला। जी हाँ, अजय देवगन की सबसे हिट मूवी में से एक फिल्म भोला, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोला मूवी कब यूट्यूब पर रिलीज़ की जाएगी, किस तारीख को, इसका अपडेट क्या है। इसी के साथ भोला मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने काम किया है, इस मूवी को बनाने में कितनी कमाई हुई थी, इस मूवी को कितने बनाने में लागत हुई थी और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा था, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ इसकी कहानी, इसके किरदारों और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप भी अजय देवगन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोला 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसमें कि आपको अजय देवगन के द्वारा दिखे गए, निर्देशित हुआ हुआ और संयुक्त रूप से अजय देवगन एफ फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, टी सीरीज फिल्म्स और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के द्वारा यह निर्मित की गई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको देखेगा यह 2019 की तमिल फिल्म केथी का रीमेक है, केथी की रीमेक है और इसमें आपको लीड रोल में दिखेंगे तब्बू, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, गजराज राव और विनीत कुमार देवगन मुख्य भूमिका में, जबकि अमला पॉल, अभिषेक बच्चन और रॉय लक्ष्मी विशेष रूप से दिखाई देते हैं, राय लक्ष्मी। इसी के साथ ये फिल्म एक पूर्व अपराधी का अनुसरण करती है जो 10 साल के कारोबार सॉरी जो 10 साल के कारावास के बाद अपनी बेटी से मिलने के बदले में जहरीले पुलिसकर्मियों से भरे ट्रक को अस्पताल ले जाते समय अपराधियों से लड़ता है। इस मूवी में आपको दिखेगा, यह मूवी मेन टॉपिक पर मैं बात करूँ तो यह मूवी जो है राइटिंग की गई है वो आमिल कियान खान के द्वारा, अंकुश सिंह के द्वारा, संदीप केवलानी के द्वारा और श्रीधर दुबे के द्वारा। यह फिल्म लोकेश कनगराज द्वारा केथी 2019 में जो बनाई गई थी उसी का रीमेक है। तो अगर आपने केथी को देखा है, हिंदी भाषा में भी वह रिलीज कर दी गई थी, तो अगर आपने केथी को देख लिया है तो इस फिल्म को आप वैसे ही देखोगे जैसे कि केथी में आप। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है भोला। जी हाँ, अजय देवगन की सबसे हिट मूवी में से एक फिल्म भोला, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोला मूवी कब यूट्यूब पर रिलीज़ की जाएगी, किस तारीख को, इसका अपडेट क्या है। इसी के साथ भोला मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने काम किया है, इस मूवी को बनाने में कितनी कमाई हुई थी, इस मूवी को कितने बनाने में लागत हुई थी और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा था, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ इसकी कहानी, इसके किरदारों और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप भी अजय देवगन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोला 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसमें कि आपको अजय देवगन के द्वारा दिखे गए, निर्देशित हुआ हुआ और संयुक्त रूप से अजय देवगन एफ फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, टी सीरीज फिल्म्स और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के द्वारा यह निर्मित की गई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको दिखेगा यह 2019 की तमिल फिल्म केथी का रीमेक है,
की रीमेक है, और उसमें आपको लीड रोल में दिखेंगे तब्बू, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, गजराज राव और विनीत कुमार देवगन मुख्य भूमिका में, जबकि अमला पॉल, अभिषेक बच्चन और रॉय लक्ष्मी विशेष रूप से दिखाई देते हैं, राय लक्ष्मी। इसी के साथ ये फिल्म एक पूर्व अपराधी का अनुसरण करती है जो 10 साल के कारोबार जो 10 साल के कारावास के बाद अपनी बेटी से मिलने के बदले में जहरीले पुलिसकर्मियों से भरे ट्रक को अस्पताल ले जाते समय अपराधियों से लड़ता है। इस मूवी में आपको दिखेगा, यह मूवी मेन टॉपिक पर मैं बात करूं तो यह मूवी जो है राइटिंग की गई है वो आमिल कियान खान के द्वारा, अंकुश सिंह के द्वारा, संदीप केवलानी के द्वारा और श्रीधर दुबे के द्वारा। यह फिल्म लोकेश कनगराज द्वारा केथी 2019 में जो बनाई गई थी उसी का रीमेक है। तो अगर आपने केथी को देखा है, हिंदी भाषा में भी वह रिलीज कर दी गई थी, तो अगर आपने केथी को देख लिया है तो इस फिल्म को आप वैसे ही देखोगे जैसे कि केथी में आप। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है भोला। जी हाँ, अजय देवगन की सबसे हिट मूवी में से एक फिल्म भोला, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोला मूवी कब YouTube पर रिलीज की जाएगी, किस तारीख को, इसका अपडेट क्या है। इसी के साथ भोला मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने काम किया है, इस मूवी को बनाने में कितनी कमाई हुई थी, इस मूवी को कितने बनाने में लागत हुई थी और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा था, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ इसकी कहानी, इसके किरदारों और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप भी अजय देवगन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोला 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसमें कि आपको अजय देवगन के द्वारा दिखे गए, निर्देशित हुआ हुआ और संयुक्त रूप से अजय देवगन एफ फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, टी सीरीज फिल्म्स और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के द्वारा यह निर्मित की गई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको दिखेगा, यह 2019 की तमिल फिल्म केथी का रीमेक है, केथी की रीमेक है, और उसमें आपको लीड रोल में दिखेंगे तब्बू, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, गजराज राव और विनीत कुमार देवगन मुख्य भूमिका में, जबकि अमला पॉल, अभिषेक बच्चन और रॉय लक्ष्मी विशेष रूप से दिखाई देते हैं, राय लक्ष्मी। इसी के साथ ये फिल्म एक पूर्व अपराधी का अनुसरण करती है जो 10 साल के कारोबार जो 10 साल के कारावास के बाद अपनी बेटी से मिलने के बदले में जहरीले पुलिसकर्मियों से भरे ट्रक को अस्पताल ले जाते समय अपराधियों से लड़ता है। इस मूवी में आपको दिखेगा, यह मूवी मेन टॉपिक पर मैं बात करूँ तो यह मूवी जो है राइटिंग की गई है वो आमिल कियान खान के द्वारा, अंकुश सिंह के द्वारा, संदीप केवलानी के द्वारा और श्रीधर दुबे के द्वारा। यह फिल्म लोकेश कनगराज द्वारा केथी 2019 में जो बनाई गई थी उसी का रीमेक है। तो अगर आपने केथी को देखा है, हिंदी भाषा में भी वह रिलीज कर दी गई थी, तो अगर आपने केथी को देख लिया है तो इस फिल्म को आप वैसे ही देखोगे जैसे कि केथी में आप। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है भोला। जी हाँ, अजय देवगन की सबसे हिट मूवी में से एक फिल्म भोला, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोला मूवी कब YouTube पर रिलीज की जाएगी, किस तारीख को, इसका अपडेट क्या है। इसी के साथ भोला मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने काम किया है, इस मूवी को बनाने में कितनी कमाई हुई थी, इस मूवी को कितने बनाने में लागत हुई थी और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा था, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ इसकी कहानी, इसके किरदारों और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप भी अजय देवगन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोला 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है,
जिसमें कि आपको अजय देवगन के द्वारा दिखे गए, निर्देशित हुआ हुआ और संयुक्त रूप से अजय देवगन एफ फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट टी सीरीज फिल्म्स और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के द्वारा यह निर्मित की गई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको दिखेगा, यह 2019 की तमिल फिल्म केथी का रीमेक है, केथी की रीमेक है, और इसमें आपको लीड रोल में दिखेंगे तब्बू, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, गजराज राव और विनीत कुमार देवगन मुख्य भूमिका में, जबकि अमला पॉल, अभिषेक बच्चन और रॉय लक्ष्मी विशेष रूप से दिखाई देते हैं, राय लक्ष्मी। इसी के साथ ये फिल्म एक पूर्व अपराधी का अनुसरण करती है जो 10 साल के कारोबार सॉरी जो 10 साल के कारावास के बाद अपनी बेटी से मिलने के बदले में जहरीले पुलिस कर्मियों से भरे ट्रक को अस्पताल ले जाते समय अपराधियों से लड़ता है। इस मूवी में आपको दिखेगा, यह मूवी मेन टॉपिक पर मैं बात करूँ तो यह मूवी जो है राइटिंग की गई है वो आमिल कियान खान के द्वारा, अंकुश सिंह के द्वारा, संदीप केवलानी के द्वारा और श्रीधर दुबे के द्वारा। यह फिल्म लोकेश कनगराज द्वारा केथी 2019 में जो बनाई गई थी उसी का रीमेक है। तो अगर आपने केथी को देखा है, हिंदी भाषा में भी वह रिलीज कर दी गई थी, तो अगर आपने केथी को देख लिया है तो इस फिल्म को आप वैसे ही देखोगे जैसे कि केथी में आप। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है भोला। जी हाँ, अजय देवगन की सबसे हिट मूवी में से एक फिल्म भोला, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोला मूवी कब YouTube पर रिलीज़ की जाएगी, किस तारीख को, इसका अपडेट क्या है। इसी के साथ भोला मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने काम किया है, इस मूवी को बनाने में कितनी कमाई हुई थी, इस मूवी को कितने बनाने में लागत हुई थी और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा था, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ इसकी कहानी, इसके किरदारों और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप भी अजय देवगन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोला 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसमें कि आपको अजय देवगन के द्वारा दिखे गए, निर्देशित हुआ हुआ और संयुक्त रूप से अजय देवगन एफ फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट टी सीरीज फिल्म्स और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के द्वारा यह निर्मित की गई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको दिखेगा, यह 2019 की तमिल फिल्म केथी का रीमेक है, केथी की रीमेक है, और इसमें आपको लीड रोल में दिखेंगे तब्बू, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, गजराज राव और विनीत कुमार देवगन मुख्य भूमिका में, जबकि अमला पॉल, अभिषेक बच्चन और रॉय लक्ष्मी विशेष रूप से दिखाई देते हैं, राय लक्ष्मी। इसी के साथ ये फिल्म एक पूर्व अपराधी का अनुसरण करती है जो 10 साल के कारोबार सॉरी जो 10 साल के कारावास के बाद अपनी बेटी से मिलने के बदले में जहरीले पुलिस कर्मियों से भरे ट्रक को अस्पताल ले जाते समय अपराधियों से लड़ता है। इस मूवी में आपको दिखेगा, यह मूवी मेन टॉपिक पर मैं बात करूँ तो यह मूवी जो है राइटिंग की गई है वो आमिल कियान खान के द्वारा, अंकुश सिंह के द्वारा, संदीप केवलानी के द्वारा और श्रीधर दुबे के द्वारा। यह फिल्म लोकेश कनगराज द्वारा केथी 2019 में जो बनाई गई थी उसी का रीमेक है। तो अगर आपने केथी को देखा है, हिंदी भाषा में भी वह रिलीज कर दी गई थी, तो अगर आपने केथी को देख लिया है तो इस फिल्म को आप वैसे ही देखोगे जैसे कि केथी में आप। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है भोला। जी हाँ, अजय देवगन की सबसे हिट मूवी में से एक फिल्म भोला, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोला मूवी कब YouTube पर रिलीज की जाएगी, किस तारीख को, इसका अपडेट क्या है। इसी के साथ भोला मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने काम किया है, इस मूवी को बनाने में कितनी कमाई हुई थी, इस मूवी को कितने बनाने में लागत हुई थी और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा था, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ इसकी कहानी, इसके किरदारों और इसके
महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर आप भी अजय देवगन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोला 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसमें कि आपको अजय देवगन के द्वारा दिखे गए, निर्देशित हुआ हुआ और संयुक्त रूप से अजय देवगन एफ फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, टी सीरीज फिल्म्स और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के द्वारा यह निर्मित की गई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको देखेगा, यह 2019 की तमिल फिल्म केथी का रीमेक है, केथी की रीमेक है, और इसमें आपको लीड रोल में दिखेंगे तब्बू, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, गजराज राव और विनीत कुमार देवगन मुख्य भूमिका में, जबकि अमला पॉल, अभिषेक बच्चन और रॉय लक्ष्मी विशेष रूप से दिखाई देते हैं, राय लक्ष्मी। इसी के साथ ये फिल्म एक पूर्व अपराधी का अनुसरण करती है जो 10 साल के कारावास के बाद अपनी बेटी से मिलने के बदले में जहरीले पुलिस कर्मियों से भरे ट्रक को अस्पताल ले जाते समय अपराधियों से लड़ता है। इस मूवी में आपको दिखेगा, यह मूवी मेन टॉपिक पर मैं बात करूँ तो यह मूवी जो है राइटिंग की गई है वो आमिल कियान खान के द्वारा, अंकुश सिंह के द्वारा, संदीप केवलानी के द्वारा और श्रीधर दुबे के द्वारा। यह फिल्म लोकेश कनगराज द्वारा केथी 2019 में जो बनाई गई थी उसी का रीमेक है। तो अगर आपने केथी को देखा है, हिंदी भाषा में भी बहुत रिलीज कर दी गई थी, तो अगर आपने केथी को देख लिया है तो इस फिल्म को आप वैसे ही देखोगे जैसे कि केथी में आप। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। दोस्तों इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है भोला। जी हाँ, अजय देवगन की सबसे हिट मूवी में से एक फिल्म भोला, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोला मूवी कब यूट्यूब पर रिलीज की जाएगी, किस तारीख को, इसका अपडेट क्या है। इसी के साथ भोला मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने काम किया है, इस मूवी को बनाने में कितनी कमाई हुई थी, इस मूवी को कितने बनाने में लागत हुई थी और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा था, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ इसकी कहानी, इसके किरदारों और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर आप भी अजय देवगन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोला 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसमें कि आपको अजय देवगन के द्वारा दिखे गए, निर्देशित हुआ हुआ और संयुक्त रूप से अजय देवगन एफ फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, टी सीरीज फिल्म्स और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के द्वारा यह निर्मित की गई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको देखेगा, यह 2019 की तमिल फिल्म केथी का रीमेक है, केथी की रीमेक है, और इसमें आपको लीड रोल में दिखेंगे तब्बू, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, गजराज राव और विनीत कुमार देवगन मुख्य भूमिका में, जबकि अमला पॉल, अभिषेक बच्चन और रॉय लक्ष्मी विशेष रूप से दिखाई देते हैं, राय लक्ष्मी। इसी के साथ ये फिल्म एक पूर्व अपराधी का अनुसरण करती है जो 10 साल के कारावास के बाद अपनी बेटी से मिलने के बदले में जहरीले पुलिस कर्मियों से भरे ट्रक को अस्पताल ले जाते समय अपराधियों से लड़ता है। इस मूवी में आपको दिखेगा, यह मूवी मेन टॉपिक पर मैं बात करूं तो यह मूवी जो है राइटिंग की गई है वो आमिल कियान खान के द्वारा, अंकुश सिंह के द्वारा, संदीप केवलानी के द्वारा और श्रीधर दुबे के द्वारा। यह फिल्म लोकेश कनगराज द्वारा केथी 2019 में जो बनाई गई थी उसी का रीमेक है। तो अगर आपने केथी को देखा है, हिंदी भाषा में भी बहुत रिलीज कर दी गई थी, तो अगर आपने केथी को देख लिया है तो इस फिल्म को आप वैसे ही देखोगे जैसे कि केथी में आप। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। दोस्तों इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है भोला। जी हाँ, अजय देवगन की सबसे हिट मूवी में से एक फिल्म भोला, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं।
इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोला मूवी कब यूट्यूब पर रिलीज़ की जाएगी, किस तारीख को, इसका अपडेट क्या है। इसी के साथ भोला मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने काम किया है, इस मूवी को बनाने में कितनी कमाई हुई थी, इस मूवी को कितने बनाने में लागत हुई थी और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा था, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ इसकी कहानी, इसके किरदारों और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप भी अजय देवगन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोला 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसमें कि आपको अजय देवगन के द्वारा दिखे गए, निर्देशित हुआ हुआ और संयुक्त रूप से अजय देवगन एफ फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, टी सीरीज फिल्म्स और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के द्वारा यह निर्मित की गई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको देखेगा, यह 2019 की तमिल फिल्म केथी का रीमेक है, केथी की रीमेक है और इसमें आपको लीड रोल में दिखेंगे तब्बू, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, गजराज राव और विनीत कुमार देवगन मुख्य भूमिका में, जबकि अमला पॉल, अभिषेक बच्चन और रॉय लक्ष्मी विशेष रूप से दिखाई देते हैं, राय लक्ष्मी। इसी के साथ ये फिल्म एक पूर्व अपराधी का अनुसरण करती है जो 10 साल के कारोबार सॉरी जो 10 साल के कारावास के बाद अपनी बेटी से मिलने के बदले में जहरीले पुलिस कर्मियों से भरे ट्रक को अस्पताल ले जाते समय अपराधियों से लड़ता है। इस मूवी में आपको दिखेगा, यह मूवी मेन टॉपिक पर मैं बात करूँ तो यह मूवी जो है राइटिंग की गई है वो आमिल कियान खान के द्वारा, अंकुश सिंह के द्वारा, संदीप केवलानी के द्वारा और श्रीधर दुबे के द्वारा। यह फिल्म लोकेश कनगराज द्वारा केथी 2019 में जो बनाई गई थी उसी का रीमेक है। तो अगर आपने केथी को देखा है, हिंदी भाषा में भी वह रिलीज कर दी गई थी, तो अगर आपने केथी को देख लिया है तो इस फिल्म को आप वैसे ही देखोगे जैसे कि केथी में आप। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। दोस्तों इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है भोला। जी हाँ, अजय देवगन की सबसे हिट मूवी में से एक फिल्म भोला, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोला मूवी कब यूट्यूब पर रिलीज़ की जाएगी, किस तारीख को, इसका अपडेट क्या है। इसी के साथ भोला मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने काम किया है, इस मूवी को बनाने में कितनी कमाई हुई थी, इस मूवी को कितने बनाने में लागत हुई थी और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा था, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ इसकी कहानी, इसके किरदारों और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप भी अजय देवगन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोला 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसमें कि आपको अजय देवगन के द्वारा दिखे गए, निर्देशित हुआ हुआ और संयुक्त रूप से अजय देवगन एफ फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, टी सीरीज फिल्म्स और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के द्वारा यह निर्मित की गई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको दिखेगा, यह 2019 की तमिल फिल्म केथी का रीमेक है, केथी की रीमेक है और इसमें आपको लीड रोल में दिखेंगे तब्बू, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, गजराज राव और विनीत कुमार देवगन मुख्य भूमिका में, जबकि अमला पॉल, अभिषेक बच्चन और रॉय लक्ष्मी विशेष रूप से दिखाई देते हैं, राय लक्ष्मी। इसी के साथ ये फिल्म एक पूर्व अपराधी का अनुसरण करती है जो 10 साल के कारोबार सॉरी जो 10 साल के कारावास के बाद अपनी बेटी से मिलने के बदले में जहरीले पुलिस कर्मियों से भरे ट्रक को अस्पताल ले जाते समय अपराधियों से लड़ता है। इस मूवी में आपको दिखेगा, यह मूवी मेन टॉपिक पर मैं बात करूँ तो यह मूवी जो है राइटिंग की गई है वो आमिल कियान खान के द्वारा, अंकुश सिंह के द्वारा, संदीप केवलानी के द्वारा और श्रीधर दुबे के द्वारा। यह फिल्म लोकेश कनगराज द्वारा केथी 2019 में जो बनाई गई थी उसी का रीमेक है। तो अगर आपने केथी को देखा है, हिंदी भाषा में भी वह रिलीज कर दी गई थी, तो अगर आपने केथी को देख लिया है तो
तो इस फिल्म को आप वैसे ही देखोगे जैसे कि कहती मैं आप। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है भोला। जी हाँ, अजय देवगन की सबसे हिट मूवी में से एक फिल्म भोला, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोला मूवी कब YouTube पर रिलीज़ की जाएगी, किस तारीख को, इसका अपडेट क्या है। इसी के साथ भोला मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने काम किया है, इस मूवी को बनाने में कितनी कमाई हुई थी, इस मूवी को कितने बनाने में लागत हुई थी और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा था, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ इसकी कहानी, इसके किरदारों और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप भी अजय देवगन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोला 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसमें कि आपको अजय देवगन के द्वारा दिखे गए, निर्देशित हुआ हुआ और संयुक्त रूप से अजय देवगन एफ फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, टी सीरीज फिल्म्स और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के द्वारा यह निर्मित की गई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको दिखेगा, यह 2019 की तमिल फिल्म केथी का रीमेक है, केथी की रीमेक है और इसमें आपको लीड रोल में दिखेंगे तब्बू, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, गजराज राव और विनीत कुमार देवगन मुख्य भूमिका में, जबकि अमला पॉल, अभिषेक बच्चन और रॉय लक्ष्मी विशेष रूप से दिखाई देते हैं, राय लक्ष्मी। इसी के साथ ये फिल्म एक पूर्व अपराधी का अनुसरण करती है जो 10 साल के कारोबार सॉरी जो 10 साल के कारावास के बाद अपनी बेटी से मिलने के बदले में जहरीले पुलिस कर्मियों से भरे ट्रक को अस्पताल ले जाते समय अपराधियों से लड़ता है। इस मूवी में आपको दिखेगा, यह मूवी मेन टॉपिक पर मैं बात करूँ तो यह मूवी जो है राइटिंग की गई है वो आमिल कियान खान के द्वारा, अंकुश सिंह के द्वारा, संदीप केवलानी के द्वारा और श्रीधर दुबे के द्वारा। यह फिल्म लोकेश कनगराज द्वारा केथी 2019 में जो बनाई गई थी उसी का रीमेक है। तो अगर आपने केथी को देखा है, हिंदी भाषा में भी वह रिलीज कर दी गई थी, तो अगर आपने केथी को देख लिया है तो इस फिल्म को आप वैसे ही देखोगे जैसे कि केथी में आप। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है भोला। जी हाँ, अजय देवगन की सबसे हिट मूवी में से एक फिल्म भोला, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोला मूवी कब YouTube पर रिलीज़ की जाएगी, किस तारीख को, इसका अपडेट क्या है। इसी के साथ भोला मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने काम किया है, इस मूवी को बनाने में कितनी कमाई हुई थी, इस मूवी को कितने बनाने में लागत हुई थी और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा था, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ इसकी कहानी, इसके किरदारों और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप भी अजय देवगन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोला 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसमें कि आपको अजय देवगन के द्वारा दिखे गए, निर्देशित हुआ हुआ और संयुक्त रूप से अजय देवगन एफ फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, टी सीरीज फिल्म्स और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के द्वारा यह निर्मित की गई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको दिखेगा, यह 2019 की तमिल फिल्म केथी का रीमेक है, केथी की रीमेक है और इसमें आपको लीड रोल में दिखेंगे तब्बू, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, गजराज राव और विनीत कुमार देवगन मुख्य भूमिका में, जबकि अमला पॉल, अभिषेक बच्चन और रॉय लक्ष्मी विशेष रूप से दिखाई देते हैं, राय लक्ष्मी। इसी के साथ ये फिल्म एक पूर्व अपराधी का अनुसरण करती है जो 10 साल के कारोबार सॉरी जो 10 साल के कारावास के बाद अपनी बेटी से मिलने के बदले में जहरीले पुलिस कर्मियों से भरे ट्रक को अस्पताल ले जाते समय अपराधियों से लड़ता है। इस मूवी में आपको दिखेगा, यह मूवी
मेन टॉपिक पर मैं बात करूं तो यह मूवी जो है राइटिंग की गई है वो आमिल कियान खान के द्वारा, अंकुश सिंह के द्वारा, संदीप केवलानी के द्वारा और श्रीधर दुबे के द्वारा। यह फिल्म लोकेश कनगराज द्वारा केथी 2019 में जो बनाई गई थी उसी का रीमेक है। तो अगर आपने केथी को देखा है, हिंदी भाषा में भी वह रिलीज कर दी गई थी, तो अगर आपने केथी को देख लिया है तो इस फिल्म को आप वैसे ही देखोगे जैसे कि केथी में आप। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है भोला। जी हाँ, अजय देवगन की सबसे हिट मूवी में से एक फिल्म भोला, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोला मूवी कब YouTube पर रिलीज़ की जाएगी, किस तारीख को, इसका अपडेट क्या है। इसी के साथ भोला मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने काम किया है, इस मूवी को बनाने में कितनी कमाई हुई थी, इस मूवी को कितने बनाने में लागत हुई थी और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा था, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ इसकी कहानी, इसके किरदारों और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप भी अजय देवगन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोला 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसमें कि आपको अजय देवगन के द्वारा दिखे गए, निर्देशित हुआ हुआ और संयुक्त रूप से अजय देवगन एफ फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, टी सीरीज फिल्म्स और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के द्वारा यह निर्मित की गई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको दिखेगा, यह 2019 की तमिल फिल्म केथी का रीमेक है, केथी की रीमेक है और इसमें आपको लीड रोल में दिखेंगे तब्बू, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, गजराज राव और विनीत कुमार देवगन मुख्य भूमिका में, जबकि अमला पॉल, अभिषेक बच्चन और रॉय लक्ष्मी विशेष रूप से दिखाई देते हैं, राय लक्ष्मी। इसी के साथ ये फिल्म एक पूर्व अपराधी का अनुसरण करती है जो 10 साल के कारावास के बाद अपनी बेटी से मिलने के बदले में जहरीले पुलिस कर्मियों से भरे ट्रक को अस्पताल ले जाते समय अपराधियों से लड़ता है। इस मूवी में आपको दिखेगा, ये मूवी मेन टॉपिक पर मैं बात करूँ तो यह मूवी जो है राइटिंग की गई है वो आमिल कियान खान के द्वारा, अंकुश सिंह के द्वारा, संदीप केवलानी के द्वारा और श्रीधर दुबे के द्वारा। यह फिल्म लोकेश कनगराज द्वारा केथी 2019 में जो बनाई गई थी उसी का रीमेक है। तो अगर आपने केथी को देखा है, हिंदी भाषा में भी वह रिलीज कर दी गई थी, तो अगर आपने केथी को देख लिया है तो इस फिल्म को आप वैसे ही देखोगे जैसे कि केथी में आप। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है भोला। जी हाँ, अजय देवगन की सबसे हिट मूवी में से एक फिल्म भोला, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोला मूवी कब YouTube पर रिलीज की जाएगी, किस तारीख को, इसका अपडेट क्या है। इसी के साथ भोला मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने काम किया है, इस मूवी को बनाने में कितनी कमाई हुई थी, इस मूवी को कितने बनाने में लागत हुई थी और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा था, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ इसकी कहानी, इसके किरदारों और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप भी अजय देवगन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोला 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसमें कि आपको अजय देवगन के द्वारा दिखे गए, निर्देशित हुआ हुआ और संयुक्त रूप से अजय देवगन एफ फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, टी सीरीज फिल्म्स और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के द्वारा यह निर्मित की गई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको दिखेगा, यह 2019 की तमिल फिल्म केथी का रीमेक है, केथी की रीमेक है और इसमें आपको लीड रोल में दिखेंगे तब्बू, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, गजराज राव और विनीत कुमार देवगन मुख्य भूमिका में, जबकि अमला पॉल, अभिषेक बच्चन और रॉय लक्ष्मी विशेष रूप से दिखाई देते हैं,
राय लक्ष्मी। इसी के साथ ये फिल्म एक पूर्व अपराधी का अनुसरण करती है जो 10 साल के कारोबार सॉरी जो 10 साल के कारावास के बाद अपनी बेटी से मिलने के बदले में जहरीले पुलिस कर्मियों से भरे ट्रक को अस्पताल ले जाते समय अपराधियों से लड़ता है। इस मूवी में आपको दिखेगा, यह मूवी मेन टॉपिक पर मैं बात करूँ तो यह मूवी जो है राइटिंग की गई है वो आमिल कियान खान के द्वारा, अंकुश सिंह के द्वारा, संदीप केवलानी के द्वारा और श्रीधर दुबे के द्वारा। यह फिल्म लोकेश कनगराज द्वारा केथी 2019 में जो बनाई गई थी उसी का रीमेक है। तो अगर आपने केथी को देखा है, हिंदी भाषा में भी बहुत रिलीज कर दी गई थी, तो अगर आपने केथी को देख लिया है तो इस फिल्म को आप वैसे ही देखोगे जैसे कि केथी में आप। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। दोस्तों इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है भोला। जी हाँ, अजय देवगन की सबसे हिट मूवी में से एक फिल्म भोला, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोला मूवी कब YouTube पर रिलीज की जाएगी, किस तारीख को, इसका अपडेट क्या है। इसी के साथ भोला मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने काम किया है, इस मूवी को बनाने में कितनी कमाई हुई थी, इस मूवी को कितने बनाने में लागत हुई थी और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा था, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ इसकी कहानी, इसके किरदारों और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप भी अजय देवगन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोला 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसमें कि आपको अजय देवगन के द्वारा दिखे गए, निर्देशित हुआ हुआ और संयुक्त रूप से अजय देवगन, एफ फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, टी सीरीज फिल्म्स और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के द्वारा यह निर्मित की गई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको दिखेगा, यह 2019 की तमिल फिल्म केथी का रीमेक है, केथी की रीमेक है और इसमें आपको लीड रोल में दिखेंगे तब्बू, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, गजराज राव और विनीत कुमार देवगन मुख्य भूमिका में, जबकि अमला पॉल, अभिषेक बच्चन और रॉय लक्ष्मी विशेष रूप से दिखाई देते हैं, राय लक्ष्मी। इसी के साथ ये फिल्म एक पूर्व अपराधी का अनुसरण करती है जो 10 साल के कारोबार सॉरी जो 10 साल के कारावास के बाद अपनी बेटी से मिलने के बदले में जहरीले पुलिस कर्मियों से भरे ट्रक को अस्पताल ले जाते समय अपराधियों से लड़ता है। इस मूवी में आपको दिखेगा, यह मूवी मेन टॉपिक पर मैं बात करूँ तो यह मूवी जो है राइटिंग की गई है वो आमिल कियान खान के द्वारा, अंकुश सिंह के द्वारा, संदीप केवलानी के द्वारा और श्रीधर दुबे के द्वारा। यह फिल्म लोकेश कनगराज द्वारा केथी 2019 में जो बनाई गई थी उसी का रीमेक है। तो अगर आपने केथी को देखा है, हिंदी भाषा में भी बहुत रिलीज कर दी गई थी, तो अगर आपने केथी को देख लिया है तो इस फिल्म को आप वैसे ही देखोगे जैसे कि केथी में आप। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। दोस्तों इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है भोला। जी हाँ, अजय देवगन की सबसे हिट मूवी में से एक फिल्म भोला, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोला मूवी कब YouTube पर रिलीज की जाएगी, किस तारीख को, इसका अपडेट क्या है। इसी के साथ भोला मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने काम किया है, इस मूवी को बनाने में कितनी कमाई हुई थी, इस मूवी को कितने बनाने में लागत हुई थी और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा था, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ इसकी कहानी, इसके किरदारों और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप भी अजय देवगन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोला 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसमें कि आपको अजय देवगन के द्वारा दिखे गए, निर्देशित हुआ हुआ और संयुक्त रूप से अजय देवगन, एफ फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, टी सीरीज फिल्म्स और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के द्वारा यह निर्मित की गई है।
इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको दिखेगा, यह 2019 की तमिल फिल्म केथी का रीमेक है, केथी की रीमेक है, और इसमें आपको लीड रोल में दिखेंगे तब्बू, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, गजराज राव और विनीत कुमार देवगन मुख्य भूमिका में, जबकि अमला पॉल, अभिषेक बच्चन और रॉय लक्ष्मी विशेष रूप से दिखाई देते हैं, राय लक्ष्मी। इसी के साथ ये फिल्म एक पूर्व अपराधी का अनुसरण करती है जो 10 साल के कारोबार सॉरी जो 10 साल के कारावास के बाद अपनी बेटी से मिलने के बदले में जहरीले पुलिस कर्मियों से भरे ट्रक को अस्पताल ले जाते समय अपराधियों से लड़ता है। इस मूवी में आपको दिखेगा, यह मूवी मेन टॉपिक पर मैं बात करूँ तो यह मूवी जो है राइटिंग की गई है वो आमिल कियान खान के द्वारा, अंकुश सिंह के द्वारा, संदीप केवलानी के द्वारा और श्रीधर दुबे के द्वारा। यह फिल्म लोकेश कनगराज द्वारा केथी 2019 में जो बनाई गई थी उसी का रीमेक है। तो अगर आपने केथी को देखा है, हिंदी भाषा में भी वह रिलीज कर दी गई थी, तो अगर आपने केथी को देख लिया है तो इस फिल्म को आप वैसे ही देखोगे जैसे कि केथी में आप। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है भोला। जी हाँ, अजय देवगन की सबसे हिट मूवी में से एक फिल्म भोला, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोला मूवी कब YouTube पर रिलीज़ की जाएगी, किस तारीख को, इसका अपडेट क्या है। इसी के साथ भोला मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने काम किया है, इस मूवी को बनाने में कितनी कमाई हुई थी, इस मूवी को कितने बनाने में लागत हुई थी और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा था, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ इसकी कहानी, इसके किरदारों और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप भी अजय देवगन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोला 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसमें कि आपको अजय देवगन के द्वारा दिखे गए, निर्देशित हुआ हुआ और संयुक्त रूप से अजय देवगन एफ फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, टी सीरीज फिल्म्स और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के द्वारा यह निर्मित की गई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको दिखेगा, यह 2019 की तमिल फिल्म केथी का रीमेक है, केथी की रीमेक है, और इसमें आपको लीड रोल में दिखेंगे तब्बू, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, गजराज राव और विनीत कुमार देवगन मुख्य भूमिका में, जबकि अमला पॉल, अभिषेक बच्चन और रॉय लक्ष्मी विशेष रूप से दिखाई देते हैं, राय लक्ष्मी। इसी के साथ ये फिल्म एक पूर्व अपराधी का अनुसरण करती है जो 10 साल के कारोबार सॉरी जो 10 साल के कारावास के बाद अपनी बेटी से मिलने के बदले में जहरीले पुलिस कर्मियों से भरे ट्रक को अस्पताल ले जाते समय अपराधियों से लड़ता है। इस मूवी में आपको दिखेगा, यह मूवी मेन टॉपिक पर मैं बात करूँ तो यह मूवी जो है राइटिंग की गई है वो आमिल कियान खान के द्वारा, अंकुश सिंह के द्वारा, संदीप केवलानी के द्वारा और श्रीधर दुबे के द्वारा। यह फिल्म लोकेश कनगराज द्वारा केथी 2019 में जो बनाई गई थी उसी का रीमेक है। तो अगर आपने केथी को देखा है, हिंदी भाषा में भी वह रिलीज कर दी गई थी, तो अगर आपने केथी को देख लिया है तो इस फिल्म को आप वैसे ही देखोगे जैसे कि केथी में आप। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है भोला। जी हाँ, अजय देवगन की सबसे हिट मूवी में से एक फिल्म भोला, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोला मूवी कब YouTube पर रिलीज़ की जाएगी, किस तारीख को, इसका अपडेट क्या है। इसी के साथ भोला मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने काम किया है, इस मूवी को बनाने में कितनी कमाई हुई थी, इस मूवी को कितने बनाने में लागत हुई थी और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा था, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ इसकी कहानी, इसके किरदारों और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप भी अजय देवगन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोला
2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसमें कि आपको अजय देवगन के द्वारा दिखे गए निर्देशित हुआ हुआ और संयुक्त रूप से अजय देवगन एफ फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट टी सीरीज फिल्म्स और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के द्वारा यह निर्मित की गई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको दिखेगा, यह 2019 की तमिल फिल्म केथी का रीमेक है, केथी की रीमेक है, और उसमें आपको लीड रोल में दिखेंगे तब्बू, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, गजराज राव और विनीत कुमार देवगन मुख्य भूमिका में, जबकि अमला पॉल, अभिषेक बच्चन और रॉय लक्ष्मी विशेष रूप से दिखाई देते हैं, राय लक्ष्मी। इसी के साथ ये फिल्म एक पूर्व अपराधी का अनुसरण करती है जो 10 साल के कारावास के बाद अपनी बेटी से मिलने के बदले में जहरीले पुलिस कर्मियों से भरे ट्रक को अस्पताल ले जाते समय अपराधियों से लड़ता है। इस मूवी में आपको दिखेगा, यह मूवी मेन टॉपिक पर मैं बात करूँ तो यह मूवी जो है राइटिंग की गई है वो आमिल कियान खान के द्वारा, अंकुश सिंह के द्वारा, संदीप केवलानी के द्वारा और श्रीधर दुबे के द्वारा। यह फिल्म लोकेश कनगराज द्वारा केथी 2019 में जो बनाई गई थी उसी का रीमेक है। तो अगर आपने केथी को देखा है, हिंदी भाषा में भी वह रिलीज कर दी गई थी, तो अगर आपने केथी को देख लिया है तो इस फिल्म को आप वैसे ही देखोगे जैसे कि केथी में आप। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है भोला। जी हाँ, अजय देवगन की सबसे हिट मूवी में से एक फिल्म भोला, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोला मूवी कब YouTube पर रिलीज की जाएगी, किस तारीख को, इसका अपडेट क्या है। इसी के साथ भोला मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने काम किया है, इस मूवी को बनाने में कितनी कमाई हुई थी, इस मूवी को कितने बनाने में लागत हुई थी और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा था, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ इसकी कहानी, इसके किरदारों और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप भी अजय देवगन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोला 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसमें कि आपको अजय देवगन के द्वारा दिखे गए निर्देशित हुआ हुआ और संयुक्त रूप से अजय देवगन एफ फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट टी सीरीज फिल्म्स और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के द्वारा यह निर्मित की गई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको दिखेगा, यह 2019 की तमिल फिल्म केथी का रीमेक है, केथी की रीमेक है, और उसमें आपको लीड रोल में दिखेंगे तब्बू, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, गजराज राव और विनीत कुमार देवगन मुख्य भूमिका में, जबकि अमला पॉल, अभिषेक बच्चन और रॉय लक्ष्मी विशेष रूप से दिखाई देते हैं, राय लक्ष्मी। इसी के साथ ये फिल्म एक पूर्व अपराधी का अनुसरण करती है जो 10 साल के कारावास के बाद अपनी बेटी से मिलने के बदले में जहरीले पुलिस कर्मियों से भरे ट्रक को अस्पताल ले जाते समय अपराधियों से लड़ता है। इस मूवी में आपको दिखेगा, यह मूवी मेन टॉपिक पर मैं बात करूं तो यह मूवी जो है राइटिंग की गई है वो आमिल कियान खान के द्वारा, अंकुश सिंह के द्वारा, संदीप केवलानी के द्वारा और श्रीधर दुबे के द्वारा। यह फिल्म लोकेश कनगराज द्वारा केथी 2019 में जो बनाई गई थी उसी का रीमेक है। तो अगर आपने केथी को देखा है, हिंदी भाषा में भी वह रिलीज कर दी गई थी, तो अगर आपने केथी को देख लिया है तो इस फिल्म को आप वैसे ही देखोगे जैसे कि केथी में आप। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है भोला। जी हाँ, अजय देवगन की सबसे हिट मूवी में से एक फिल्म भोला, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोला मूवी कब YouTube पर रिलीज की जाएगी, किस तारीख को, इसका अपडेट क्या है।
इसी के साथ भोला मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने काम किया है, इस मूवी को बनाने में कितनी कमाई हुई थी, इस मूवी को कितने बनाने में लागत हुई थी और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा था, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ इसकी कहानी, इसके किरदारों और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप भी अजय देवगन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोला 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसमें कि आपको अजय देवगन के द्वारा दिखे गए, निर्देशित हुआ हुआ और संयुक्त रूप से अजय देवगन एफ फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, टी सीरीज फिल्म्स और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के द्वारा यह निर्मित की गई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको दिखेगा, यह 2019 की तमिल फिल्म केथी का रीमेक है, केथी की रीमेक है और इसमें आपको लीड रोल में दिखेंगे तब्बू, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, गजराज राव और विनीत कुमार देवगन मुख्य भूमिका में, जबकि अमला पॉल, अभिषेक बच्चन और रॉय लक्ष्मी विशेष रूप से दिखाई देते हैं, राय लक्ष्मी। इसी के साथ ये फिल्म एक पूर्व अपराधी का अनुसरण करती है जो 10 साल के कारावास के बाद अपनी बेटी से मिलने के बदले में जहरीले पुलिस कर्मियों से भरे ट्रक को अस्पताल ले जाते समय अपराधियों से लड़ता है। इस मूवी में आपको दिखेगा, ये मूवी मेन टॉपिक पर मैं बात करूँ तो यह मूवी जो है राइटिंग की गई है वो आमिल कियान खान के द्वारा, अंकुश सिंह के द्वारा, संदीप केवलानी के द्वारा और श्रीधर दुबे के द्वारा। यह फिल्म लोकेश कनगराज द्वारा केथी 2019 में जो बनाई गई थी उसी का रीमेक है। तो अगर आपने केथी को देखा है, हिंदी भाषा में भी वह रिलीज कर दी गई थी, तो अगर आपने केथी को देख लिया है तो इस फिल्म को आप वैसे ही देखोगे जैसे कि केथी में आप। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। दोस्तों इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है भोला। जी हाँ, अजय देवगन की सबसे हिट मूवी में से एक फिल्म भोला, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोला मूवी कब YouTube पर रिलीज की जाएगी, किस तारीख को, इसका अपडेट क्या है। इसी के साथ भोला मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने काम किया है, इस मूवी को बनाने में कितनी कमाई हुई थी, इस मूवी को कितने बनाने में लागत हुई थी और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा था, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ इसकी कहानी, इसके किरदारों और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप भी अजय देवगन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोला 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसमें कि आपको अजय देवगन के द्वारा दिखे गए, निर्देशित हुआ हुआ और संयुक्त रूप से अजय देवगन एफ फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, टी सीरीज फिल्म्स और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के द्वारा यह निर्मित की गई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको दिखेगा, यह 2019 की तमिल फिल्म केथी का रीमेक है, केथी की रीमेक है और इसमें आपको लीड रोल में दिखेंगे तब्बू, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, गजराज राव और विनीत कुमार देवगन मुख्य भूमिका में, जबकि अमला पॉल, अभिषेक बच्चन और रॉय लक्ष्मी विशेष रूप से दिखाई देते हैं, राय लक्ष्मी। इसी के साथ ये फिल्म एक पूर्व अपराधी का अनुसरण करती है जो 10 साल के कारावास के बाद अपनी बेटी से मिलने के बदले में जहरीले पुलिस कर्मियों से भरे ट्रक को अस्पताल ले जाते समय अपराधियों से लड़ता है। इस मूवी में आपको दिखेगा, ये मूवी मेन टॉपिक पर मैं बात करूँ तो यह मूवी जो है राइटिंग की गई है वो आमिल कियान खान के द्वारा, अंकुश सिंह के द्वारा, संदीप केवलानी के द्वारा और श्रीधर दुबे के द्वारा। यह फिल्म लोकेश कनगराज द्वारा केथी 2019 में जो बनाई गई थी उसी का रीमेक है। तो अगर आपने केथी को देखा है, हिंदी भाषा में भी वह रिलीज कर दी गई थी, तो अगर आपने केथी को देख लिया है तो इस फिल्म को आप वैसे ही देखोगे जैसे कि केथी में आप।
नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है भोला। जी हाँ, अजय देवगन की सबसे हिट मूवी में से एक फिल्म भोला, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोला मूवी कब यूट्यूब पर रिलीज की जाएगी, किस तारीख को, इसका अपडेट क्या है। इसी के साथ भोला मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने काम किया है, इस मूवी को बनाने में कितनी कमाई हुई थी, इस मूवी को कितने बनाने में लागत हुई थी और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा था, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ इसकी कहानी, इसके किरदारों और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप भी अजय देवगन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोला 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसमें कि आपको अजय देवगन के द्वारा दिखे गए, निर्देशित हुआ हुआ और संयुक्त रूप से अजय देवगन एफ फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, टी सीरीज फिल्म्स और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के द्वारा यह निर्मित की गई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको दिखेगा, यह 2019 की तमिल फिल्म केथी का रीमेक है, केथी की रीमेक है और इसमें आपको लीड रोल में दिखेंगे तब्बू, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, गजराज राव और विनीत कुमार देवगन मुख्य भूमिका में, जबकि अमला पॉल, अभिषेक बच्चन और रॉय लक्ष्मी विशेष रूप से दिखाई देते हैं, राय लक्ष्मी। इसी के साथ ये फिल्म एक पूर्व अपराधी का अनुसरण करती है जो 10 साल के कारोबार सॉरी जो 10 साल के कारावास के बाद अपनी बेटी से मिलने के बदले में जहरीले पुलिस कर्मियों से भरे ट्रक को अस्पताल ले जाते समय अपराधियों से लड़ता है। इस मूवी में आपको दिखेगा, यह मूवी मेन टॉपिक पर मैं बात करूँ तो यह मूवी जो है राइटिंग की गई है वो आमिल कियान खान के द्वारा, अंकुश सिंह के द्वारा, संदीप केवलानी के द्वारा और श्रीधर दुबे के द्वारा। यह फिल्म लोकेश कनगराज द्वारा केथी 2019 में जो बनाई गई थी उसी का रीमेक है। तो अगर आपने केथी को देखा है, हिंदी भाषा में भी वह रिलीज कर दी गई थी, तो अगर आपने केथी को देख लिया है तो इस फिल्म को आप वैसे ही देखोगे जैसे कि केथी में आप